हाँ बैठ जाए इनके पास आप आते प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन प्रोसिक्यूशन एडवेंस आप सारे लोग ना इसको देख लें जिसने तैयारी नहीं की हुई, ताकि अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ तो ये जो कुछ करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेल कैसे आरंभ होती है। जब मैं घर पहुंचा तो मुसामियान मंसूर वगैरह ने अपनी मकान की छत पर फायरिंग की और मुझे जान से मारने की धमकियां दी। मुझे और मेरी फैमिली को सख्त खतराए कानूनी कार्रवाई की। जो सबसे पहले वापस पूरे बयान में इसलिए मुकदमे जो तारीख वक्त हुआ है वो 21/11/2000 ठीक है वो वक्त जो रिपोर्ट है वो है 9/12/2021 के दौरान इसमें 18 दिन की डिले से डिले ऑफ 18 डेज इन द रजिस्टरिंग ऑफ आया और उसके बाद 7/20 AM पे आया सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे खाना बंद होता है सुबह 7 बजे मतलब 18 दिन की डिले के चलते जब ये बयान रजिस्टर कराते थे तो सुबह सवेरे 7:20 वो नमाज सब पढ़ते होंगे जल्दी उठते होंगे इसलिए थाने जल्दी गए होंगे। ग्राउंड बताया नहीं बेल क्यों होनी चाहिए। एक तो डिले आपने बता दिया ठीक है ये जहर है ग्राउंड है और एक सर ठीक है इसके बाद सर वो तो पुलिस की प्रोसीडिंग में आएगा ना। FIR में तो जहर ये चीजें नहीं लिखी जाती है। FIR में तो ये लिखा जाता है कि ये अकरंस हो गया। जो पुलिस ने करना है वो मुझे देखे ना पुलिस की प्रोसीडिंग नीचे इसके अलावा लिखी होगी कि शनाती पर आपका दस्ता तंगेज बाला ने हाजिरी थाना दरी की दरख्वास्त की है महकमा माल से इसको रिटायर
उसके बाद भी जो प्रोसीडिंग होगी पुलिस में जो की होगी वो तो आगे पुलिस की जो मिसल होगी उसमें आएगी ना, जो उसकी फायर है। तो एफ आई आर में इतनी चीजें आ सकती थी जितनी उसने लिख दी, वो दौरान क्या होता है? मैं और मेरा जब हम कहते हैं कि हम दोनों मोटरसाइकिल पे आए और पुलिस को यह हमें देखकर बाकी जो कंप्लेनेंट है और जो उसके साथ राजा पाना है ये दो नंबर है, ये बाइक है, जो एक्यूज है वो कहते हैं कि वो तीन एक्यूज जिसको बयान निकाल दिया उनके साथ ये कहते हैं कि वो इस टाइम के अरेस्ट कर आप बताएंगे क्यों इनकी बेल ना हो, वजह बता दें। ठीक है ठीक है। और दूसरी बात जो है उनके बाद ये जमाने की इशू के होकर और ये रात के वक्त बाइक से जब आए थे कंप्लेनेंट और इनके साथ जो दोस्त राजे सर, तो राजे बात है कि रात को जब बाइक चलाया जाता है सर तो उनके फ्लैट तो राजे हो और एक अगर ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं उन्हें पता नहीं पहचाना नहीं होगा कुछ, तो एक बाइक के सामने आके उन्होंने जो है उनको धमकी दी। सबसे पहली बात सेकंड ये सर उनके बयान में मेंशन है कि इसके बाद जब कंप्लेनेंट घर गए इसके बाद जो एक्यूज साइड से जो वो है उन्होंने घर की छत पे खड़े होके इनकी फैमिली को और इनको जान से मालूम नहीं करती। हमें यही बताता है कि इंटिमिडेशन बाय पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसमें सर दो चीज है, एक तो जो है जान से मारने की धमकी है और दूसरा है जो कि किसी प्रीवियस थर्ड किसी की प्रॉपर्टीज को जो है वो पहुंचा। लेकिन यहाँ पे बात हुई है कि जो जमीन जो कि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इसको जो है ट्रैक्टर से जो है ना वो इनकी फसल को जो है ना स्मार्ट करती है इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी। तो मेरी सब्जेक्शन ये सर कि एक दिन अठारह दिन जो आपने डिले किया उसका क्या जवाब है आपके पास? सर चूंकि इसके तो हम ये कहेंगे कि एफ आई आर में जो डेलिंग हुई है 18 डेज, तो इसमें ये बात नहीं आप एफ आई आर का पालन भगवान देते पढ़े पालन भगवान क्या है पढ़े नंबर एक पढ़े क्या है तारीख वक्त रिपोर्ट है यस अभी क्या लिखा है 9/2021 और 7/20 यस। तो ये रिपोर्ट आपने कब दी है? रिपोर्ट सर जो है वो है वही 9/12 को रिपोर्ट है। तो जब देखे ना 1/5 की पाल भी चल रही है उस दिन भी तो शायद आपको थाने जाना चाहिए था, आप नहीं गए। अगर 1/5 की कॉल होती तो इधर जो रबड़ नंबर 45 इसके ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा होता है 1/5 की कॉल से रबड़ नंबर 45 है तो रबड़ नंबर 13 में हमें पहले ये मैटर रिपोर्ट हुआ है नेशनल रिपोर्ट के ऊपर। चलिए ठीक है जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा केस तैयार किया है लेकिन बेल जो है इसकी बनती है इसको बेल ग्रांट कर दे बैठे आप आए प्रोसिक्यूशन साइड से जी कोई और बंदा ये जो सबसे पीछे बैठे हैं ना उनमें से कोई आ रहे हैं आप आए हैं भैया वो जो कोने पे बैठे हैं आ जाए मैं थोड़ी देर तक ना आ जाऊं सर थोड़ी देर तक आओगे ना तो 6 महीने बाद माना इंटरव्यू बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कौन से दफ्तर से हो? चैम्बर कौन सा? जैसा साहब के साथ होते हो लटाई क्यों नहीं करनी? इस तरह अदालतों में जाते हैं? आपने भी कोट टाई से कुछ नहीं पहना हुआ आपको बहुत गर्मी लगती है
यार अब तो आप सारी जिंदगी अवाम की कचहरी में रहेंगे, इसलिए तो बस आप इधर से पास होंगे तो सही कचहरी में जाएंगे। इधर आपको बुलाने का मकसद ये है कि ये चीजें सिर्फ आपको बतानी है, बाकी तो आपको ये तो किताबें आपके पास हैं, खुद ही पढ़ लेंगे। तो यही थोड़ा बहुत होता है कि जो चीज आपको पहले दिख ही समझ आ जाए कि इस तरीके से ये मॉडल है, इसके ऊपर ही हमने चलना है, इसे आगे पीछे नहीं होना। हाँ जी बताएंगे, आप अपना पहले नाम बताए। जी जी ठीक हो गया, आप सिर्फ ग्राउंड बता देंगे, ये ग्राउंड है जिसकी बेस के ऊपर बेल हो गई, डिले हो गया। दूसरी बात, अगर हम सेक्शंस पढ़ ले, उनकी पनिशमेंट देख ले, तो सारी ठीक है, सजा कम है, नॉन वर्किंग क्लास में पास करता है, बट ये सही मैटर ऑफ राइट बनता है ना सर, ठीक है। और बाकी अगर हम एफआईआर के टैक्स देख ले, तो ये थोड़ा सा ना ये बात करें तो सुन लेना कि जो बेल में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि बेल जो है कौन सी प्रोविजन के तहत होती है, प्री अरेस्ट बेल 498 खोल के पड़े क्रिमिनल साइड पे लेक्चर आपका हो चुका है, उसमें 498 आपने पढ़ा होगा। अच्छा ट्रायल देता है, बेल में देता है। चलिए ये 498 थोड़ा सा आपको मैं इसके हवाले से बताता हूँ। बड़े मैं पेज नहीं मिला आपको, पेज है 498 पड़े, ये होगा 775 है, 473 है, पेज 773। हाँ इसके ऊपर आप ही पढ़ लाइक, पेज 773 पढ़े, ऊंचा उचा पढ़े, ये जरा सुन लें जी सारे लोग। पावर टू डायरेक्ट एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ बेल द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड, ये पढ़े ना पढ़े ना, यही है बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी सब्जेक्ट टू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव एंड द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे इन एनी केस वेदर देयर बी एन अपील और कन्विक्शन और नॉट डायरेक्ट that any person be admitted to bail or that bail required by a police officer or magistrate be reduced. तो यहाँ पे किसी तरह भी उस तरह से प्री अरेस्ट बेल का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो फिर ये किस तरह से आप इसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, किसी को पता है? जी नहीं नहीं नहीं, वो ठीक होगी ना, ये तो आप उसकी बता रहे हैं कि ये वो उसकी डेफिनेशन ही है। तो प्री अरेस्ट बेल तो 498 में तो प्री अरेस्ट बेल का जिक्र ही नहीं है, तो फिर हम इसको प्री अरेस्ट बेल क्यों, आप बताएं। सर ये प्रेसिडेंट बेस्ड लॉ है। यस, कौन सा प्रेसिडेंट है सर, ये तो अब आप बताएंगे। अरे देखो इम्तहान आप मेरा ले रहे हैं क्या? नहीं सर, हमारा काम था कोर्ट को सेस्ट करना। अच्छा आप कहते हैं कि कोर्ट को सारा कुछ खुद ही पता होना चाहिए, तो फिर आपकी क्या जरूरत है कि आप आगे बताएंगे, आपने तो आगे बताना है, कोई और बंदा जी बताना चाहे, किसी को पता हो कि ये कौन सी जजमेंट है जिसको बेसिक जजमेंट कहा जाता है 498 प्री अरेस्ट बेल के कॉन्टेक्ट। जी 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 बिल्कुल, पीएलडी 995 सेक्शन 34 पे सर। नहीं वो तो तारक बशीर केस आप कह रहे हैं, उन्होंने पीएलडी 95 सुप्रीम कोर्ट 34 तारक बशीर केस हमें पढ़ लो प्लीज। बड़े सर ये कहते हैं कि ये कानून का असूल ये है कि जब एक बार अदालत किस नतीजे पहुंच जाए
कि जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज होने की सूरत में मुलजिम बाद गिरफ्तारी जमानत पर रिहाई का मुकदर बढ़ जाएगा तो उसे जेल भेजना फजूल है। इसलिए फिर इनको ये कहते हैं कि अगर आपकी आफ्टर अरेस्ट बेल होने वाली हो तो उसको प्री अरेस्ट बेल ही ग्रांट कर दें। जी सर। सर दूसरे देखना तीन चीजें हैं सर। एक तो यह कि देखें ये ना प्रीमियर पेशी सर ये केस था मेलफाइडी का सर फर्दर इंक्वायरी केस है सर और ये इनको ड्रैग किया गया इसमें क्रिमिनल केस में सर। बेसिकली सर केस है सिविल लिटिगेशन का सर। यहां इन्वोक किया उन्होंने जो है ना सर ये एफआईआर आपको बुलाते हैं ना एफआईआर आपने करा के बतानी है। ये आपने जो जजमेंट बताई है ये बहुत अच्छी जजमेंट है पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 जो है ये बेसिक जजमेंट में से है। लेकिन ये चूंकि 95 की जजमेंट है जो आप में से इधर किसी ने असल जजमेंट बताई थी किसने बताई थी जी? यस ये बेसिकली दो वैसे तो जो बेसिक जजमेंट जिसको कहा जाता है वो है हिदायतुल्ला वर्सेस क्राउन पीएलडी 1949 लाहौर 21 1949 लाहौर 21 ये इसको कहा जाता है बेसिक जजमेंट। जो आपने बात कही थी बिल्कुल वो करेक्ट है लेकिन ये बेसिक जजमेंट नहीं है। जजमेंट जो है वो इससे पहले की भी दो जजमेंट्स हैं वो है एम्परर वर्सेस मोहम्मद फंदूर ये है 21 1934 सिन। ये मैं आपको एक जजमेंट लिखाता हूं ना वो आप जजमेंट अगर पढ़ेंगे ना तो वो ये सारी जो पुरानी जजमेंट थी उसके अंदर कोर्ट है और उनको डिफाइन भी किया गया है। मैं एक मिनट में आपको जजमेंट दिखाता हूँ क्योंकि ये आपको मिलेंगे ना जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको मैं वो जजमेंट बता देता हूँ जो आपको अभी मिल जाएगी फोरी फोरी लाइब्रेरी से ना 2020 PCRLJ 73 लाहौर। ये है जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब की जजमेंट है मेरे उस्ताद की है। तो ये जो जजमेंट है इसमें वो तमाम पुरानी जो जजमेंट्स है ना वो कोर्ट हुई हुई है। तो इसमें बेसिक जो जो एक भाई ने बताया था 49 वाली जजमेंट तो कहा यही जाता है कि ये जो हिदायतुल्ला वर्सेस क्राउन है ये बेसिक जजमेंट है जिसमें फर्स्ट टाइम 498 को डिफाइन किया गया कि ये 498 का मतलब बेसिकली प्री अरेस्ट बेल है क्योंकि 498 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। लेकिन मैंने जो दो जजमेंट्स आपको बताई हैं एक है एम्परर वर्सेस मोहम्मद फन ये बेसिकली 1934 की जजमेंट है तो इसके अलावा जो और मार्क वर्सेस अदर जो है ये भी इसी तरह 34-35 की जजमेंट है। तो इन दोनों में भी 498 को इनिशियली जो है डिफाइन किया गया था फिर वो आ जाती है हिदायतुल्ला वर्सेस क्राउन 1949 वाली जजमेंट और उसके बाद ये 1974 लाहौर की एक जजमेंट है उसमें फिर प्री अरेस्ट बेल के तो पांच इंग्रेडिएंट जिस तरह से वो 95 में फिर ये बाद में आया ये 74 की जजमेंट थी शेख सोहर वर्सेज स्टेट उसमें ये चीजें आई हैं और 83 में उसके बाद मुराद खान केस आया उसमें आई है और लास्टली एक बड़ी अच्छी जजमेंट थी मीरा बाग केस पीएलडी 1989 सुप्रीम कोर्ट 347 तो इसमें एक बंदे को टांग के ऊपर गोली लगी हुई थी और वो जो 95 वाली जजमेंट है वो इसके ऊपर बेस करती है। तारिक बशीर केस में भी यही इसी के कॉन्टेक्स्ट में मीराबाग केस के हवाले से वो कहा गया कि क्योंकि आफ्टर अरेस्ट बेल अगर किसी की हो सकती है तो प्री अरेस्ट बेल भी ग्रांट करनी चाहिए। तो ये जो बेसिक जो जजमेंट है 5-6 जजमेंट है अगर ये पढ़ लेते हैं आप मैंने सिर्फ ये जो आपको जजमेंट बताई है ना आखिरी वाली 2020 वाली अगर आप ये पढ़ लेते हैं इसमें तमाम की तमाम जो पहली जजमेंट है उनका जो ऑपरेटिंग पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे लिखे हो तो आपको शायद वो जो पुरानी जजमेंट से मिले ना लेकिन अगर ये मिल जाती है तो इसमें आपको ये मिल जाएगी आपको अगर कहते हैं ये मेरे पास कॉपी भी है ये मैं तो कहता हूँ आप कॉपी करवा ले अच्छा हम ही करवा के दें आपने कुछ नहीं करना है तो ये आपने लाजमी पढ़नी है और ये आपका जो कॉन्सेप्ट है प्री अरेस्ट बेल के हवाले से वो क्लियर होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती और ये आपके इंटरव्यू का बेसिक क्वेश्चन ही होता है कि आपसे ये इंटरव्यू में ये लाजमी सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं प्री अरेस्ट बेल कहाँ पे डिफाइन होती है तो इसलिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझे एक पेपर का एक क्वेश्चन आपको आउट कर दिया जी PCRLJ 73 लाहौर
और इसका टाइटल भी लिख देना, ये वैसे ही नेट से डाउनलोड कर लें, मोहम्मद प्याल वर्सेज स्टेट लिखेंगे ना लाहौर हाईकोर्ट, तो ये वैसे ही उनकी वेबसाइट से वैसे ही आ जाती है। ये वो चीज है, थोड़ा सा उसको मैं चूंकि सारी चीजें मिक्स करेंगे ना, तो ना आपको पहली चीज समझ आएगी ना दूसरी समझ आएगी, उसको मैं थोड़ा सा आपको ये कर लें आकर मैं आपको, वो बेसिकली 497 सबसेक्शन 2 ये फर्दर इंक्वायरी को मैं आपको लास्ट में आपने याद कराना है, फर्दर इंक्वायरी को डिफाइन कर देंगे कि क्या है। अच्छा जी, ये आपको बात समझ आ गई है कि फोर प्री अरेस्ट बेल कहां से ओरिजिनेट हुई है, समझ गए सारे, कहा जाता है जायतुल्ला वर्सेस क्राउन के हवाले से, लेकिन उससे पहले ये दो जजमेंट मैंने बताई वो भी है और उसमें भी इसको डिफाइन किया गया था। आप बताएं जी, ग्राउंड आपने बताए थे चार, ग्राउंड आपने बताए थे, फर्दर इंक्वायरी का ग्राउंड आपने बताया, ठीक है, जो सामने नजर आ रहा हो कि ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। आप बताए इनकी जमानत क्यों ना दी जाए, तो वजह बता देना कि आपके केस में कौन सी ऐसी अच्छी बात है कि इनकी जमानत खारिज कर दी जाए। ठीक है, लेकिन सर ये देखें जी, ये पहला बंदा है जिसने सही बात बताई है और ये आज नहीं रखा है कि ये तमाम की तमाम सेक्शन अवेलेबल है और अवेलेबल सेक्शन में एज ए मैटर ऑफ राइट बेल दी जाती है, ये ग्रेस नहीं होता, कंसेशन नहीं होता, ये इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें बेल देनी देनी है। अगली बात बस ठीक है, बेल होगी है, ये खुद जो है वो प्रोसिक्यूशन साइड कह रही है और सही जो है प्रोसिक्यूटर या सही लायर यही होता है कि कोर्ट को सच्ची और सही बात बताए, बेशक अपने खिलाफ ही हो। गुड, ये मास्क काफी तक मैं देखूं आप वो कौन चले प्रोसिक्यूशन को आया था आखिरी लाइन से आप आ जाए, बल्कि आप आना जी, आपने जो जिसने मुझे बेल की जजमेंट बताई सर, हम कैसो वाली साइड के हैं जी, तो दोनों तरफ से मिलते हैं, मदई ज्यादा देते हैं बात का सर, मैं बेल वाली साइड का, तो इधर खड़े होके बेल करवा रहे हैं सर, वो फिर चले मई ठीक, आप बताएंगे कि बेल के क्या ग्राउंड है इस केस में, फर्स्ट इज द डिले इन टाइम 18 डेज का डिले आया हुआ है, ठीक है, दूसरी की मेडिकल इंटेंशन है 18 डेज का भी, तो किसी भी गलत बात है, वाकई एफ आई आर दर्ज कराना पता था तो पहले दूसरे दिन क्यों नहीं आए, मुझे आगे उसकी फर्दर इंक्वायरी है, वो भी इंक्वायरी इंक्वायरी कराने तो लूप होने में 18 डेज का, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गए सही, और के बाद फर्दर इंक्वायरी हो गया, ईशा के टाइम ये हुआ है उन्होंने रेकग्नाइज किया कि नहीं, रात के टाइम में मोटरसाइकिल के राइट से आई डोंट थिंक ट्रैक्टर पर बैठे लोगों को ये लोग रेकग्नाइज कर सकते होंगे, या इंटरव्यू पर इसमें क्लैश चल रहा है और ये कह रहे हैं कि ये थे और इन्होंने ये काम किया है, तो फिर दोनों भी डिटरमेंट फर्दर इंक्वायरी के लिए वाकई ऐसा है, तो लिहाजा हमें दिन जांच की जाए और हम ताकि वो फैसला करें, और आप जो है वो छोटी जमा कराने के लिए भी तैयार है, ये भी आपने करना है कि क्योंकि कोर्ट आपका जो पिटीशन देखते हैं ना बेल में, उसमें ही आप देखते हैं कि पिटीशन इज वेरी गुड परफेक्ट छोटी आय पर सेटिस्फेक्शन ऑफ ट्रायल कोर्ट या कोर्ट, इधर बेल का मतलब जो है वो ये है कि आपको कोर्ट जो है वो आपको छोटी के अक्यूज को छोटी के हवाले कर रही है ताकि वो हर हियरिंग पे पेश हो, वो डाल हाँ जी चले है ये तो देखे ना, पहले जो तीन दो तीन आर्गू कर गए उन्होंने तो ये बताया नहीं कि ये बेल हो, इसके अलावा जो कुछ बातें उसमें जो डिले
वेरी वेल वो तो कहते हैं कब्जा माफिया है, उन्होंने सर उनके कहने से साबित की वो साबित करेंगे तो होगा एज पर माय जो इसमें आपसी का जिक्र किया हुई है सारी बातें सब झूठ है। और जैसे 18 दिन का जो डिले किया है और उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि आप 18 दिन के बाद इनको जो है वो जाकर पुलिस गिरफ्तार करेगी ना तो तफ्तीश करेगी तो क्लियर हो जाएगा, अगर आप सच्चे हुए तो डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर ना सच्चे हुए तो। सर मैं बेल जो ग्रांट होते हैं उसके साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैलावाड़ी डेनिश खातिर ने एफटीआर जो हमारे ऊपर मदद करवाई और मेरे पुराने चैनल पर ये तंग करने के लिए इस तरह की जो है जो पर्सनल जो मोटिव है उनको हासिल करने की इसको भी आप जो है वो ना लगवाइज करा देंगे। किस तरह फ्री अरेस्ट बेल में हम किस तरह नग एंडवाइज करा देते हैं, मेरे पास कोई हाईकोर्ट की पावर तो नहीं है ना, यहाँ पे तो जो आपने दरखास्त दी है कि हमें बेल दें तो मैक्सिमम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आपको बेल देते हैं या नहीं देते, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकती है जो कोर्ट है देने वाली जो अदालत है। ये बेल कौन सी कोर्ट में फाइल हुई है? एक मिनट बाहर जाना, एक आपने नहीं बताना जी, इसके अलावा बेल कौन सी कोर्ट में फाइल हुई है जी? नहीं नहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये प्री अरेस्ट बेल आपसे कह रहा हूँ, प्री अरेस्ट बेल किधर फाइल हो रही है? अच्छा ये जो बेल है ये इस FIR की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हो ही नहीं सकती बेल, इसलिए कि जब बंदा अंजाम बताए क्यों नहीं हो सकती आप हाँ जी 526 नहीं नहीं जब बंदा अरेस्ट हो गया था, देखिए मजिस्ट्रेट के पास बेल फाइल होती है जो बंदा अरेस्ट हो गया था उसकी, तो जब बेल अवेल ऑफेंसेज में ये 496 है और मैं आपको आखिर में 496 CRPC है कि जब कोई बंदा अरेस्ट होके आता है मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस के जो ड्यूटी है वो क्या होती है कि अरेस्ट करने के बाद क्या करती है? विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, वो कहती है कि हमें रिमांड दे दें या इसको जुडिशियल कर दें, तो बेल अवेल ऑफेंसेज में मजिस्ट्रेट क्या करता है? यस उधर ही जो पहला ऑर्डर होता है वो यही होता है कि इस शख्स से चूंकि ऑफेंसेज में वो अवेलेबल है इसलिए इसको हम 30,000-50,000 छोटी के ऊपर इसको रिलीज करते हैं, और अगर ये छोटी जमा करता है तो इसको फोर्थविथ रिलीज किया जाए, तो इसलिए अवेलेबल ऑफेंसेज में बेल पिटीशन फाइल नहीं होती, वो तो जब पुलिस उसको लेके आती है वो पुलिस रिक्वेस्ट करती है तो उसी रिक्वेस्ट के ऊपर उसे जो कहते हैं रूटीन में पर्चा रिमांड या जुडिशियल जो पहला ऑर्डर होता है जुडिशियल का या रिमांड का तो उसी के अंदर कोर्ट लिख देती है अवेलेबल ऑफेंसेज है तो ये तो इसलिए यस तो प्री अरेस्ट बेल तो होती इसलिए कि जब आप अरेस्ट नहीं होता आपका क्लाइंट आपके पास आता है कि मेरे पर FIR हो गई है तो आपने प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी है तो वो होती है सेशंस कोर्ट में, ठीक है, तो सेशंस कोर्ट में जो प्री अरेस्ट बेल फाइल होती है तो उस पर आप ये आर्गूमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये अवेलेबल ऑफेंस तो आफ्टर अरेस्ट तो हो ही नहीं सकती इसमें, वो तो चूंकि मजिस्ट्रेट वैसे ही इसको रिलीज कर देता है छोटी देने में, तो इसलिए बेल अवेल ऑफेंसेज में मजिस्ट्रेट साहब के पास दरखास्त देने की अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, वो पैसे कर देते हैं, और जब बेल अवेल ऑफेंसेज में आप इधर आते हैं तो 498 में तो फिर उसमें जहां पे आर्गूमेंट करते हैं प्रोसिक्यूशन डिफेंस करके वो समझती है कि वाकई बेल अवेल, तो कोई ऐसा केस भी है जिसमें बेल अवेल ऑफेंस में भी कभी जमानत खारिज हुई हो? आपके इलम से गुजरा हुआ माशाल्लाह आप सारे वकील हैं, हाँ जी बताएं नहीं नहीं एक्चुअल ऑफेंडर तो ग्राउंड नहीं है, देखिये बात यह है कि एक जजमेंट है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वो है परवेज मुशर्रफ वर्सेज स्टेट, तो उसमें हुआ यह है कि अवेलेबल ऑफेंस थे तो जनरल साहब ने बेल फाइल कर दी हाई कोर्ट में डायरेक्ट, उन्होंने कहा कि क्योंकि सेशन कोर्ट में वो मेरी सिक्योरिटी का इश्यू है ये वो तो बेल उन्होंने हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट उसपे हुई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये थ्रेट किया गया था जजिस को तो इसमें ADA भी बनती है, तो ADA नॉन अवेलेबल थी तो कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दे दी कि इसमें ADA अट्रैक्ट होता है और इस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उनकी प्री अरेस्ट बेल भी खारिज कर दी, तो ये उनको फायदा हुआ हाईकोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच करने का, और जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद भी बेल ले सकता है कि वो खुद ही आके कहे ठीक है जी ये छोटी आप जमा करा दें उसके बाद जब आपको ट्रायल कोर्ट लाएगी तो वो, तो ये जो बेसिक वकील का जो काम है ना वो
वो ये है कि आप अपने क्लाइंट को सही एडवाइस करके सही जगह भी उसके ऊपर लेके जाए। आप डायरेक्ट अगर हाईकोर्ट में बेल फाइल कर देते हैं तो हाईकोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी होती है, तो वो उसके तहत किसी टाइम कोई भी ऑर्डर कर सकती है किसी केस में भी के लिए। जाहिर है सेशन कोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं करेगी। मजिस्ट्रेट के पास पावर है लेकिन वो भी उस वक्त करेगी जब चार्ज फ्रेम होगा या वो उस वक्त, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब भी आ सकते। तो वो ये उनको बेसिक गलती हुई थी उस केस में कि अगर वही तफ्तीशी को एक सब इंस्पेक्टर को बुला के घर में कहते जी कि मैं शामले तफ्तीश होना चाहता हूँ इसे छोटी ले लो, तो वो दलील से ले लेता और वो बेल बिलेबल ऑफेंस था तो बेल उनकी हो जाती और वो गलती उन्होंने की जो हाईकोर्ट गए और आगे से फंस गए और फिर बेल उन्होंने साथ एडीए भी लगा दिया, फिर बेल भी खारिज हुई और फिर आगे जो सारे का। हाँ जी और कोई ग्राउंड बताएंगे? सर मैंने जो बात लिखी हुई है कि ये जान से मारने की धमकी नहीं है, ड्राइवर से और इस तरह से इसके साथ साथ ये मेरे क्लाइंट्स हैं उनको जैसे मैंने कहा कि सही बंदे को कोई प्री केस क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो पहली दफा अगर ऑफेंस करे तो मतलब उसको छोड़ दें इस बात के ऊपर के लिए इसका पहले का रिकॉर्ड नहीं। सर ये जितने मार्क्स में लगाए हुए हैं कोई भी ये प्रूफ अभी तक नहीं कर पाए, वो बता रेस्ट होगा तो प्रूफ करेंगे ना, फिर वो दवाई भी लेके आएंगे फिर ये खुद भी बताएगा इसे रिकवरी नहीं होनी है इसका क्या कहते हैं। अगर रिकवरी नहीं होगी तो पुलिस का केस खराब हो जाएगा उसमें, बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। लेकिन जो फिलहाल जहाँ तक हम बेल खारिज कर देंगे नहीं सर, इसमें जो जैसे पहले बात हो चुकी है इसमें हो ही नहीं सकती बेल, जिसमें हो ही नहीं सकती ये बात जबरदस्ती आपने वो जगह अच्छा आप बताएंगे आप ये डिफेंस की तरफ से आ दूंगा अपना पहले नाम बताए और फिर आगे जी। और ये बहुत बातें हैं जो हमने कभी बात की ये वो एक एक्सटेंसिव बहुत बड़ी काम है जिसके बारे में मैं देखना से पढ़ती थी कि जो वो पहले इस्लामा थी 2021 बात थी जिसमें वादी तौर पर कहा गया है कि ये रहमान बच्ची स्टेज है तो कहा गया है कि स्क्रीन सर्टे और सेवन डेजेशन ऑफ कल्याण नो एक्सेसिव अच्छी चीज की जो है वो उसको अच्छे तरीके से किसी को अट्रैक्ट करती है कोई चीज आपकी आपके आर्गुमेंट वो ये है कि आप उसमें आप देखिए रूटीन की बात है तकरीबन हर बंदे ने वही रूटीन की बातें आके कर दी तो डिफरेंस ये है कि आप अपने केस ला साथ लेके जाएं उस प्रपोजिशन के बिल्कुल करीब करीब केस ला हो और जब आप केस लॉ प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली
जज साहब के पास मार्जिन बहुत कम रह जाता है कि अगर उसी किस्म का एग्जैक्ट केस ला वो है जो आप ले गए हैं। वैसे तो क्रिमिनल केसेस में कहा जाता है कि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप एक उसमें कोई लीगल प्रपोजिशन आ जाती है, जिस तरह से एक डिले है, तो डिले एक फैक्टर है और उस फैक्टर के ऊपर जिस तरह से वो जजमेंट आ गई, तो वो जो जजमेंट है डेफिनेटली उसकी पर्सुएसिव वैल्यू है। तो इस तरीके से अगर आप आर्गू करेंगे तो डेफिनेटली कोर्ट अगर उस पर फंस जाती है 50-50 में, तो ये जो आपके ग्रेस मार्क्स हैं वो इस चीज से आएंगे जो आप अच्छे तरीके से आर्गू करें। आप आ जाएंगे, थैंक यू, आ जाएंगे फिर आपके बेस्ट करते हैं दोबारा। आप प्रेस्क्रिप्शन कैसे आप किसके साथ होते हैं? सर मैं अच्छा माशाल्लाह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारे लाइसेंसों के भी मालिक यही हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि ये फोरम ही नहीं बनता है पे प्रोसिक्यूशन और पुलिस में था यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो स्टेशन नाम आ रही है जो फोरम है वो कहीं गलत नहीं था। अगर तो पुलिस वहां से आती जहाँ से रजिस्टर में राज कराती जाके बंदे को पकड़ की काम बात स्टेशन फिर जाकर इस फोरम पे लेके जाती, यहाँ पे ये फोरम ही नहीं बनता। मतलब आप कहते हैं कि थाना जो है कलर सहीदा है उसकी बेल जाके पिंडी कोर्ट में फाइल करें? सर ये जो जुडिशियल ही नहीं मिलती है सुन ही नहीं सकते, इधर भी फाइल हो सकती है। नहीं आप प्रोसिक्यूशन साइड से डिफेंस साइड तो फिर आपने तो खुद बेल फाइल की है। सर मैं जो आप जाके कलर सहीदा फाइल करते हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं? सर ये तो आर्ग्यूमेंट जो ये तो इनका आर्गूमेंट बनता है नहीं कि ये देखे ना आप किधर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कलर पिंडी की एक तहसील है तो उसके बेल दे सकते हैं, नहीं दे सकते प्रोसिक्यूशन का है। अच्छा अगला होता है सर सेकंड पॉइंट जो है जैसे बैंड के ऊपर बताएं कि किस ग्राउंड के ऊपर बेल आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैडम ने बात की है इसी तरह तीन जजमेंट्स हैं पीएलडी 1973 लॉ 7 और पीएलडी 1975 सीआर सी लॉ 8 और डिले, यानी कि इन्होंने 7 घंटे 8 घंटे का डिले, जबकि यहाँ पे 18 से 19 दिन इनका डिले है। जब भी डिले होता है तो उनकी जो नीयत है कि कोर्ट के सामने साफ हाथों से आना चाहिए, क्लीन हैंड्स वो नहीं शो। सेकेंडली ये जितने भी ग्राउंड है ये बेले वाले हैं। थर्डली जो इनके मौकफ हैं ना पुलिस के, अभी जो इन्होंने चालान अभी तक सबमिट किया हुआ है पुलिस चालान, उसमें भी इन्होंने रिकवरी का वाई फायरिंग की है, कोई रिकवर होने नहीं हुए, रिकवर होना होगा सर, वो होना होगा ना। तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन होनी है तो हमारा राइट बनता है नहीं, तो अगर वो अरेस्ट होंगे तो फिर रिकवरी हो जाए। सर अरेस्ट हो FIR हुई है तो हम दे देंगे, नहीं तो फिर दे दें इनको हवाले कर दें पुलिस के तफ्तीश मुकम्मल करके। तो सर अभी तो हम इंशाल्लाह हाईकोर्ट जाएंगे इसके ऊपर, नहीं तो मैं तो इधर आपको बेल देने ना देने तो पहले हाईकोर्ट पहुंचिए, हाईकोर्ट की धमकी नहीं देनी सर। तो फिर अगर आप ये कहेंगे ना देखिए ये आपने पहली बात करेंगे जैसे आप जो फैसला करेंगे तो हम हाईकोर्ट देंगे, तो फिर आगे बैठे हुए बंदे ने ये कहना अच्छा ठीक है ये इधर से खाने से जाओ हाईकोर्ट जाना है तो उसको रस्सी करवा लो। और सर सेकंडली आप ये देख लें जितने भी इनके ऑफेंसेस हाँ वो पहले ये ग्राउंड पहले ग्राउंड है, और डिले वाली जो बात है वो भी अच्छी बात है कि डेफिनेटली अगर इतना डिले होता है तो फर्दर इंक्वायरी के लिए आप आगे नहीं चाहिए अच्छी बात है, आपको बेल देते हैं आपने बहुत अच्छा आर्गू किया और जजमेंट्स वगैरह दिए प्रॉपरली आपको जो जुरिस्डिक्शन की बात है। देखिए ये बात बड़ी अच्छी है कि आप जब किसी केस के लिए जो बात उन्होंने की है कि आप किसी कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं तो ये जुरिस्डिक्शन का इश्यू भी है कि अगर इन केस जिस तरह थाना कलर सहीदा की FIR है, तो अगर थाना कलर सहीदा की FIR है तो इसकी बेल किधर लगनी चाहिए आप बताएं? ऐसी तो जिधर मर्जी होने यार बेल है सर, सेक्शन 86 के तहत भी हम बेल फाइल कर सकते हैं ताकि उसको मतलब अरेस्ट हुए बंदे की होती है जब अरेस्ट हो जाता है, वो जब अरेस्ट हो जाता है वो मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन अगर इधर अगर अरेस्ट हो गया है तो इधर कोर्ट नहीं बंदा आपके पास, मैं मेरे पर FIR होगी आपके पास आ जाता हूँ कि ये FIR है तो आप मेरी बेल किधर फाइल करेंगे? उधर ही फिर पिंडी कोर्ट्स में। देखिए जो कलर सहीदा जो है जिस तरह से इस्लामाबाद है तो उसमें दो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट और वेस्ट है, अगर थाना स्याला की FIR होगी तो वो ईस्ट में होगी या वेस्ट है मेरे ख्याल में, अगर थाना करनौल की होगी तो इसका सेशन अलग है। फिर इसके अलावा हर इलाके का मजिस्ट्रेट है, अगर बंदा अरेस्ट हो जाता है या आफ्टर अरेस्ट बेल आपने फाइल करनी है
तो आपने पहले जाके देखना है कि इस थाने का कौन सा मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में, क्योंकि हर मजिस्ट्रेट के पास दो या तीन थाने हैं। सेशन में तो अगर प्री रेस्ट फाइल करनी है तो आपने सिर्फ दो डिवीजन है, अगर वो फैजाबाद से उधर वाला वाक्य है तो मेरे ख्याल में ईस्ट आएगा, और फैजाबाद से अगर करनौल तक है तो ये वेस्ट आएगा। तो प्री रेस्ट बेल आपने या इवन सिविल स्कूल फाइल करना है तो वो उस डिवीजन में फाइल करना है, दूसरे डिवीजन में फाइल नहीं करना। तो ये जो बात है जो इन्होंने पॉइंट आउट की है बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है कि जो बेल आपने फाइल करनी है उस एरिए में जगह पे, जो इसके अलावा कोई और है बात कि अगर एफ आई आर उधर हो गई है तो हम इधर से बेल करवा के उधर चले जाए। हाँ जी आप बताए जी। देखिये ट्रांजिट बेल जो है ना कुछ प्रोटेक्टिव बेल, ये कुछ ऐसी बेल्स हैं जिनका इधर आपको हवाला नहीं मिलेगा सीआरपीसी में, वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स के ऊपर है। तो प्रोटेक्टिव बेल जो आजकल बहुत ज्यादा आपने देखा है, हमारे बहुत सारे लीडर जो है कराते हैं, प्रोटेक्टिव बेल पहले होती थी कि बंदा इस्लामाबाद में तो कराची में तैयार हो जाए, तो रूटीन में सेशन जजेस जो है वो प्रोटेक्टिव बेल नहीं दे सकते क्योंकि सीआरपीसी में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि के जो जजेज है वो दे देते हैं, सेशन जज भी दे देता है तो। लेकिन यहाँ पे लाहौर में और इस्लामाबाद में अगर आपने बेल लेनी है तो हम हाईकोर्ट से लेते हैं, उनके भी में भी जाते हैं तो जैसे अब्दाबाद में इसके जो है वो बेल लेते हैं, प्रोटेक्टिव बेल उस टाइम तक के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए 5 दिन के लिए, ताकि आप उस जगह के ऊपर सेफली पहुंच सके, वहां से जाके अपनी प्री अरेस्ट रेगुलर प्री अरेस्ट बेल करवा सके, तो इसको बेसिकली कहा जाता है। ये जो इन्होंने जिक्र किया सेक्शन 86 सीआरपीसी है, तो अगर कोई बंदा इस तरह से किसी दूसरे जिले में एफ आई आर इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे बंदा एब्सपांडर हो जाता है, तो जब बंदा एब्सपांडर हो जाता है तो उसका जो कंसर्न थाना है इनकेस वो पिंडी में किसी जगह पे है, तो यहाँ पे जो थाने वाले हैं उसका एक वारंट लेते हैं, परपेचुअल वारंट, परपेचुअल वारंट लेके तो उस थाने को सेंड कर देते हैं जिसका वो रिहायशी होता है, कि ये बंदा जब ये मिले तो इसको अरेस्ट कर दे, और उस थाने वालों को वो बंदा मिल जाता है तो वो उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको बताते हैं इस्लामाबाद पुलिस को कि ये बंदा आपके खिलाफ एफ आई आर का बंदा हमारे पास आ गया है, एब्सपांडर था, हमने इसको अरेस्ट कर लिया, या इस्लामाबाद पुलिस चली जाती है वहां से जाके उस बंदे को अरेस्ट कर लेती है, तो वहां से वो ये नहीं कि गिरफ्तार करके सीधा इस्लामाबाद ले, वो उस इलाके के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। और 86 का जो इख्तियार है वो बेसिक किसी भी डिवीजन के सेशन का है कि कोई भी सेशन जाए, अगर इस्लामाबाद में बंदा गिरफ्तार हो जाता है, पिंडी की एफ आई आर है, कश्मीर की है, किसी और जगह की है, तो वो 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उसको ट्रांजिट बेल दे सकता है कि ठीक है जी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ इतनी छोटी के अगेंस्ट, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो ये जाके अपनी कंसर्न जगह से प्री अरेस्ट बेल करा ले या उधर सेंटर का। तो 86 के तहत ये वाली बेल होती है, प्रोटेक्टिव बेल दूसरी हाईकोर्ट से हम रूटीन में कराते हैं, और वो इख्तियार जो है वो भी इसी तरह आया है। और एक और जो अब रिसेंटली प्रोटेक्टिव बेल शुरू हो गई है, ये सबसे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में हुई थी, वो बाहर थी तो इधर एफ आई आर होगी तो हाईकोर्ट में उन्होंने बेल फाइल की और फिर प्रोटेक्टिव बेल मिली जो पाकिस्तान आ के, तो ये एक जजमेंट है। उसके बाद फिर अब ये बहुत सारी अब तो बहुत सारी जजमेंट हमारे केसेस में है, जो बंदा बाहर होता है उसको तैयार हो जाए तो वो प्रोटेक्टिव बेल करवाता है कि मुझे पाकिस्तान आने में अरेस्ट ना किया जाए, तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर उसे अरेस्ट नहीं किया जाता, वो सेंटर जाके खोल। हाँ जी आप शुक्रिया। क्यों ना इनकी बेल दी जाए और उनको वापस आया एक महीना हुआ, सर ये जो एफ आई आर है ये जो पूरे की पूरी पढ़ाई की है इसमें कुछ चीजें मैंशन नहीं की गई है, मेरे क्लाइंट की जानते जो मैंने एप्लीकेशन दी थी कि ये जो लोग हैं ये मूद और बदमाश लोग हैं और इनके पास वजह अगर से आप ये जान से मारने की धमकी दी गई, जब से मेरा क्लाइंट यहाँ से वो सीख था सर यहाँ पे पीछे इनके लोग उनकी वजह से ही इसमें जो एक सबमिशन की गई थी एफ आई आर में डिले हुआ है, जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने उसी वक्त जो है इसको 15 पे कॉल भी कर दी थी और उससे लेके जितने 18 दिन का डिले हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस की मिली बात है उनका जो असल रसूख है उसकी वजह से ये डिले हुआ है, जबकि मेरे क्लाइंट जो है वो रोजाना सुबह शाम जो है वो धरने लगाते रहे और उसके साथ साथ उनके साथ जो एक गवाह जो मेरी बात सुने अगर उन्होंने एफ आई आर नहीं दी थी तो उन्होंने 22 फाइल कर दी थी 22 ए थाने वाले एफ आई आर नहीं दे रहे तो हम जाके तो कोर्ट से रिजू करें
कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज कानून में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं चलता सर। बेसिकली जो इन्होंने 1.5 पे जिक्र किया, ना इन्होंने डेट मेंशन की, ना इन्होंने डायमेंशन की 1.5 को उन्हें लगा। सेकेंडली ये जो कह रहे हैं कि इनको लॉक नहीं, तो अगर कोई बेल उठाने पर जा रहे हैं तो वहां से किसी ने नहीं बताया, बताते हैं हमारे खिलाफ आप जाके बताते हैं वो एफ आई आर। अगर ये कह रहे हैं दूसरी पार्टी के पैसे लिए हैं या उनका कहिए मतलब या कुछ भी उन्होंने सोर्सेज यूज किए अपने जराये नाजायज यानी कि उनको डराया धमकाया, तो वो डेली थाने से वापस आ सकते हैं सर। अगर हम डरा रहे होते हैं, हम धमका रहे होते हैं, हम उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो डेली उन्होंने कुछ कह वो थाने जा रहे हैं, वो तो जान की परवाह किए बगैर थाने जाते हैं। सर यहाँ पे देखा है कि जान को खतरा, वो फिर जान को खतरे के बगैर थाने जाते थे, वहां से वापस आ जाते यार। तो बना निकले भी ना यार, और हमारा असर रसूख भी, और इस वजह से हमारे खिलाफ एफ आई आर भी नहीं हो सकती। देखिए आप बात देखें, अकरस तो हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो हुआ है सर, हुआ है। लेकिन ये जो जब आप खुद करते हैं एडमिट करते हैं हुआ है, नहीं एफ आई आर जो है वो तो साबित होगा कि हमने किए, स्कोर नहीं किए, तो उसके लिए जरूरी है ना कि किरदार और रिकवरीज हो। सर बेल क्या की हम इस मैटर को फर्दर इंक्वायरी के लिए करेंगे, हमारा राइट है बेल का। सर इस जो साहब भी कहते हैं सर, इसमें अगर हम इसके एफ आई आर के फैक्ट्स अगर हम देखें, तो इसमें जो बिलेक किया गया उसमें जितनी भी चीजें मेंशन हुई, ये सारी उन लोगों की पुलिस के साथ मिली भगत है। जब उनको ये लगा कि 18 दिन के बाद भी ये बंदा पहले उसको डालते रहे, जब हमारी जान नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ ऐसे जो बेलेबल ऑफेंस थे वो लगा के एक ये एफ आई आर बना के देखिए। जब इसके साथ साथ हमारी जो बाकी बोल रहा हो तो उसके दरमियान में ड्राफ्ट नहीं करते, आपने किसी जगह पे एप्लीकेशन दी है एसएसपी को इन्वेस्टिगेशन वाला? सर हमारी वो सारी एप्लीकेशन जो एसएसपी ऑफिस में भी पेंडिंग है, हमने वो भी दी, और हमने इसमें जो एंटी टेररिज्म एक्ट है जो इन्होंने वहाँ पे पूरा एक ऐसा नहीं है कि एक अगर अपनी छत पे खड़े होकर फायरिंग की और हमें धमकी के उनको एक मेरा क्लाइंट देखने वाला नहीं था, पूरा इलाका जो है वो इस बात का गवाह है कि उन्होंने उनको धमकी भी दी, उनको जान से मारी गई। और सर इट इज अ मैटर ऑफ डायरेक्ट ट्रायल, नॉट फर्दर जो है उसमें तो ये भी तो यही कह रहे हैं ना कि ट्रायल की बात है तो फिर बेल दे दें, ट्रायल में देखा जाएगा। ये रिपीट करेंगे, ये रिपीट भी करेंगे, उनको जान से मार भी सकते हैं। और इस बात की जो है अगर इसमें हमें शहादतें दिलवानी पड़ती है जितनी भी, उसमें हम अपने जो है गवाह को यहाँ ला सकते हैं इनको। सर इसमें एक मैं बड़ा फेमस जो है वो जो है इसमें जिस टाइम उन्होंने कहा कि सारे अवेलेबल ऑफेंस में सर इसमें एक बड़ा फेमस केस है मुशरफ वर्सेस द स्टेट फ्रॉम लॉ हाईकोर्ट, उसमें सारे कि आप इसमें इस बात से इसमें नाजायज इसका रखा हुआ है और मुश्तर फायरिंग कर रहे हैं और लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल दहशतगर्दी का जो है डेट लगती है। और इसके लिए हमारी एप्लीकेशन जो है इस बात के ऊपर ये जो इन्होंने आर्गुमेंट किए ना इसके ऊपर जवाब दें कि जो कॉन्टेंट ऑफ एफ आई आर है इसके मुताबिक नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनता है। अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस ऑफेंस बनता हो कॉन्टेंट ऑफ एफ आई आर से फिर तो कोर्ट बेल खारिज कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये जिस फोरम की बात करें ये वो फोरम नहीं है, अगर 788 कहते हैं की जाए तो ये जाएंगे एंटी टेररिस्ट, नहीं ये क्यों जाएंगे वो तो जाहिर है बिल ये जब 80 लगेगा हम अभी ऑर्डर करते हैं कि इसमें दहशतगर्दी की दफात लगाए। ये जो कह रहे हैं कि पूरे इलाके को इन्होंने खोखो हराज किया हो, दोबारा जान का खतरा है, यहाँ पे भी इन्होंने यही कॉन्टॉक्टिव स्टोरी लिखी थी जान का खतरा है, लेकिन इनके बावजूद इन्होंने एडमिट किया कि हम थाने जाते थे वहां से वापस आते थे। मैटर फर्दर इंक्वायरी की इंक्वायरी में जो जिसका कसूर होगा वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कोर्ट से। अब ये कहते हैं कि आप डर जाएं और थाने भी ना जाएं, कोई एप्लीकेशन कर दें और पुलिस आपके घर, सर हम तो मिलते कर रहे हैं आप तपस काम करते हैं यहाँ पे, जिसको आप अपनी फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आप देखते हुए इसको कार्डिय को बेलमेंट करें। देखिए जी इन्होंने जो आर्गुमेंट्स किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी बेल अवेल ऑफेंस बनते हैं तो आप मैं कुछ कर नहीं सकता, वरना बेल खारिज कर देता। शुक्रिया आप दोनों ने माशाल्लाह जी बहुत अच्छा आर्गू किया है। और कोई बंदा आर्गू करना चाहे है ना जी, आपने नाम कर आपने ग्राउंड बनाया स्पीड जो है वो भी और जो नया ग्राउंड आपके जहन में ऐसे पहुंचता है, समझे आपसे पहले कोई चीज आर्गू नहीं।
आप मुझे ग्राउंड बताएं कि किस किस ग्राउंड के ऊपर बेल ग्रांट होनी चाहिए। नंबर वन, ऑल द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन द बेल ऑर्डर। यस। नंबर टू, सर की जो डिले है सर, हो सकती है जस्टिफाई नहीं हुआ, लेकिन डिले क्यों किया। यस सर। नंबर थ्री सर, यहाँ पे एक जो एक्यूज मेंशन किया है वो हारिस सर, वहां पर पूरी फरियाद में उसका केस बनता ही बोलिए, उन्होंने मेंशन किया कि फायरिंग की है वो तो दूसरे बंदे की, तो वो तो उसको पहले सकेत है। सही। सर अपेरेंटली लगता है कि तो कोई पर्सनल गलती से, तो उनकी मैं पहले टेंशन थी, तो उसने उसको बताया। अब देखें ये जो बात है ना, बाकी काफी लोगों ने आरोप किया है, लेकिन जो प्री अरेस्ट बेल की जब जजमेंट्स आप पढ़ेंगे ना, जो जजमेंट चाहिए ये भी इंक्लूडिंग दिस, तो बेसिक जो ग्राउंड है प्री अरेस्ट बेल का, वो मेरा फ्रेंड ही है कि जो भी एफ आई आर है प्रोसिक्यूशन की साइड से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की साइड से, वो मेरा फ्रेंड ही है आपके अक्यूज पर्सन के खिलाफ। तो 498 जो है, जो इनिशियली डेवलप हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पार्टी के ऊपर ही हुआ। ये सब्सिक्वेंटली ये जो जजमेंट आई मीराबाग्स केस पीएलटी 1989, उसमें फिर इन्होंने इसको बाकी चीजें फर्दर इंक्वायरी और ये चीजें इंक्लूड कर दी कि ये भी ग्राउंड हो सकता है प्री अरेस्ट बेल के लिए। लेकिन इससे पहले जो बेसिक जजमेंट है उनमें सिर्फ और सिर्फ मेरा पार्टी ही ग्राउंड कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद जब से ये लास्ट हाथ साथ डेवलप होता रहा तो उसमें ये चीजें, और फिर जिस तरह से उन्होंने एक वो पीएलटी 95 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये इन्होंने बताई थी, तो उसमें ये है कि अगर किसी शख्स की आफ्टर अरेस्ट बेल आप समझते हैं हो सकती है, तो उसको प्री अरेस्ट बेल भी ग्रांट करनी चाहिए। लेकिन फैक्टर्स हैं हर केस के, अपने सर्कमस्टांसेस हैं, उसके मुताबिक ही देखा जा सकता है। हाँ जी, और कोई बात सर? सर अभी वो है सेक्शन 337 इंजरीज सर, इस पूरी एफआईआर में कहीं भी जो ना फोन इंजर हुआ है स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, और सर कहीं भी मेडिकल रिपोर्ट मेंशन भी नहीं है कि मेडिकल मतलब करवाई है कमाई की मेंशन नहीं है। और सर लास्ट बात है कि देखिए ये जरा 337 है, ये मेजर एक्ट को लेना पड़े ना, वो इंजरी कौन सी इंजरी है 337 है इसको। टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ। यस बिल्कुल, इसमें इंजरी कोई नहीं है नहीं, ये तो सिविल ले लें। तो वो जो इधर से लाया वकील साहब बहस कर रहे थे कि वो आप खुद ही सेक्शन ऐड करके इसकी बेल खारिज कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेंट्स ऑफ एफ आई आर जो है उसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस की मेड अप होता है। सर जी देखिए सर, पहले पानी गड़ी है ठीक है, और फिर जो है अभी ये फर्दर वो मेरे क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं, तो सर ये अनलेस इज प्रूव गिल्टी इज द राइट। यस बिल्कुल ठीक है जी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, आप आए ना जी, आप सारे बस बहुत काम भी किया है ना, आप भी मुकालत करेंगे, आप भी आ जाए साथ, आप भी आ जाए दूसरी तरफ। बताएं क्या क्या ग्राउंड है ठीक है, और सर ये जो एफ आई आर सारी मेला फाइल होती सर, इसमें पहले भी इसमें नहीं, तो इटली वाला पाकिस्तान नहीं आ सकता सर, है लेकिन ये यहाँ पे बड़ा मसला, सुने ना यहाँ पे बड़ा मसला है कि जो यहाँ पे जिस लोग जिनके रिश्तेदार इटली बाहर चले जाते हैं ना, तो सारी जो उनकी पीछे जमीने होती हैं ना, तो यहाँ जो पाकिस्तान में मौजूद उनके रिश्तेदार हैं यही समझते हैं कि ये हमारी अपनी है, तो जब वो वापस आते हैं तो झगड़ा होता है। सर पहले ये इसमें अगर नहीं दे रहे तो जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना, ये इस तरह उन्होंने ये बता आपका अरेस्ट होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चूंकि अवेलेबल ऑफेंस है तो ये भी साथ ग्राउंड है ठीक है, और मेला फैटी भी है, फर्दर इंक्वायरी का केस भी है, और डिले स्टार्टिंग एफ आई आर के साथ आप बताएंगे। तो
एक मिनट पूरी बात उनकी सुन लेना थोड़ा सा सबर से। नहीं छत के ऊपर खड़े होके दवाई खा रही करेंगे तो फिर तो 337 एज टू अवेलेबल ऑफेंसर उसमें क्या कर सकती है पनिशमेंट तो ट्रायल कोर्ट देगी ना जब ट्रायल कंक्लूड होगा तो उसमें पनिशमेंट होगी इस स्टेज के ऊपर कोर्ट क्या कर सकती है आपके लिए बेल तो है अवेलेबल ऑफेंस में क्या किस तरह बेल खारिज करें कोई तरीका बताए अगर तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात बाद में भी अभी बेल दे देते हैं तो बाद में साबित हो जाती है कि कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस हुआ है तो इनको फिर बेल करानी तो पड़ेगी उस ऑफेंस में बेल नहीं होगी तो फिर ये आ जाएंगे फिर हम इनकी बेल खारिज कर देंगे लेकिन इस स्टेज के ऊपर कोई ग्राउंड बताए किस ग्राउंड के ऊपर इनकी बेल खारिज करें वो तो सिविल कोर्ट देगी ना डैमेजेस जो है लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है जो चीजें हुई हैं उसमें तो जो पुलिस ने सेक्शन लगाए हैं वो अवेलेबल आप 18 दिन सोए रहे आपने पहले के लिए रिपोर्ट किया इस बात का जो आपने ये यार इनसे पूछो आपसे कुछ पूछा तो आपने रिपोर्ट कर इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि जिस वक्त आपने रिपोर्ट ये नहीं होता कि दरखास्त लिख के लेके जाएंगे इनके कोई किसी जगह पे सीआरपीसी मैंने लिखा हुआ रिपोर्ट जो जबानी भी हो सकती है रिटर्न भी हो सकती है और आपने जो 15 पे कॉल किया तो ये भी रिपोर्ट हो सकती है और पुलिस उसको लिख के तो आपसे आके दस्तखत करवाएगी कि ये आपने रिपोर्ट दिया आप इसके ऊपर दस्तखत करें और आप साइन करते हैं तो फिर इसको आपकी कंप्लेंट समझी जाएगी ठीक है जी। और ये गरीब आदमी बाहर रहा है उधर से पैसे भेज रहा है पाकिस्तान के लिए ऊपर उधर बेचारे कौन सा मैंने पहले बताया कि कौन सा उधर इटली का मेयर लगा हुआ है तो उधर अपने जॉब करता है पैसे उधर से पाकिस्तान भेज रहा है हमारे मुल्क का ये फायदा ऊपर से इसकी जमीन क्या आपने कब्जा कर लिया तो ये सारा कुछ कर रहेगा इनको क्या अगर आप अरेस्ट हो जाती है तो उनको क्या फायदा होगा अगर आप कहते हैं कि ये मेला आईडी है सारा कुछ है आपने इनको कुछ नहीं किया तो इन्होंने आपका नाम क्यों नहीं दिया आप वकील हैं आपका नाम नहीं है ना तैयार में इसलिए नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया मेरा नाम भी दे सकते थे इनका नाम आ सकता था किसी और का तो सिर्फ आपका ही नाम क्यों दिया उन्होंने अच्छा डिस्प्यूट एक और था और ये मेरा हार्डी होती है कि आपको प्रीवियसली कोई ट्रांजेक्शन हो आपकी ये बिल्कुल आपकी जान पहचान ही नहीं है आपके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर मेरा हार्डी तो हो ही नहीं सकती चले ठीक है जी आपको बेल काम करते हैं बहुत अच्छा जी आपने हाँ जी आप आ जाए सर अगर बेल डिफेंस साइड में हम ग्राउंड के खिलाफ अगर फैक्ट को उसको भी यूज कर सकते हैं मिसाल के तौर पे इस एफआईआर में वो कह रहा है कि उसने इशा के बाद रात के अंधेरे में फील्ड में मोटरसाइकिल की लाइट से देखा तो मोटरसाइकिल की लाइट तो बहुत छोटी होती है ये बहुत अच्छा ग्राउंड है ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत सारे हमारे क्रिमिनल केसेज में जो हॉस्पिटल है ना वो इसी बात नाइट के अपीयरेंस के हवाले से जब भी वो के रोशनी या लाइट नहीं है प्राप्त तो इसमें एक्विटल रूटीन में इसी बात के ऊपर हो जाता है नाइट एक्सेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में कि चूंकि प्रॉपर लाइट का वो उसमें नक्शे में नहीं होती लोग अपनी एविडेंस में पेश नहीं करते कि ये लाइट थी इस तरह की लाइट थी और मौके के ऊपर लाइट थी इतनी लाइट थी कि जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो अगर ये बात नहीं है तो फिर ये इसी बात के ऊपर एक्विटल हो सकती है और मेरा अपना सुप्रीम कोर्ट में केस था तो उस पे हुआ ये कि जब एडमिट हो गए हमने अपील फाइल की तो अपील जो है वो एडमिट हुई काफी सारे उस ग्राउंड के ऊपर गिरी ये बंदे एडमिट गलत हुए तो लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी अपील डिसमिस हुई इसी ग्राउंड के ऊपर कि वो लास्ट में ये कह रहे थे जी कि वो बंदे को उठाया जेल का अफरेंस था उठा के तो ले गए किसी जगह पे ले गए उधर उसको मारा और फिर उसके बाद जो हमारा कंप्लेनेंट था वो बाद में उधर बाइक के ऊपर गया
उसी बाइक की रोशनी से उनको उसने देखा, तो जब उसने देखा तो उसके बाद उन्होंने उसको गोली मारी। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने यही सवाल किया, उन्होंने कहा कि ये इसका इंतजार करता रहा है कि ये बाइक वाला आए, ये इसकी रोशनी इसके ऊपर पड़े, मेरे खिलाफ ये गवाह भी बने और फिर ये आइडेंटिफाई भी मुझे करे और फिर मैं इसको गोली मारू। तो ये जो है आप इसको बिल्कुल ये कामन सी बात किसी भी बात नहीं नजर आती, ये एक प्रूडेंट माइंड इसको नहीं मानता कि ये ऐसे हुआ होगा। कभी कभी ऐसे हो सकता है, लेकिन हमारे रूटीन के जो केसेज है उनमें इसी तरह है कि गाड़ी या बाइक आया है, उसकी रोशनी से हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और फिर इस वजह से इन इन इस तरह के केसेज में एक्विटल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड है, ठीक है ना। बात तो आपने सारी की सारी फैक्ट्स के ऊपर ही करनी है ना, कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं, जो फर्दर इंक्वायरी का ये क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था, तो फर्दर इंक्वायरी इसी को कहते हैं कि कोई एक प्रूडेंट माइंड ये बात एक्सेप्ट करे कि ये जो बात इसने की है वो सही की है। अगर कोई आम बंदा समझे कि ये बात इस तरह नहीं हो सकती, बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, जिस तरह से आपके जहन में ये बात आ गई है, और ये बात जो है ये हमारी बहुत सारी जजमेंट्स में भी है, अब पढ़ेंगी तो अल्टीमेटली ट्रायल की जजमेंट्स में लाइट वाली जो भी जजमेंट आएगी उस पर ये बात लाजमी होगी। अगर किसी व्हीकल की लाइट से आइडेंटिफिकेशन हुई है तो उसको भी प्रॉपर फिर उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि ये कैसे हो सकता है कि गाड़ी की रोशनी से उन्होंने पहचान लिया, और ये सारी बातें। तो ये सारे के सारे ग्राउंड हैं आपके लिए। बेल स्टेज के ऊपर तो ये ज्यादा कंसीडर नहीं की जा सकी, और आफ्टर एस बेल में ये एक अच्छा ग्राउंड है, लेकिन ट्रायल में आपका लाइट की एंट्रेंस में मैक्सिमम जो फोकस है 50% फोकस आपका होता ही लाइट के ऊपर है। नाइट के तमाम अक्रेसिस में लाइट के ऊपर ही फोकस होता है कि लाइट थी नहीं थी, लाइट उन्होंने उस तरह से एविडेंस में वो लेके आए, जो मौके का साइड प्लान बनता है उसमें उन्होंने वो पोल और वो लाइट या वो बाइक या वो चीजें दिखाई या नहीं दिखाई। जी बताएं जी, क्या ग्राउंड है आपके कि उनको बेल दे दी जाए? उन्हें जाके देखें, वो शरीफ आदमी है, उसके घर में भी गए, जमीन पे गए, अभी अरेस्ट होंगे तो कंफर्म होगी ना, या नहीं हो सकता? इन सारे बेल पर वो नहीं, वो अवेलेबल है, वो 506 अगर 2 लगी हो तो फिर नॉन अवेलेबल है। पहले भी इधर किसी ने कहा था, ये देखिए 506 जो है उसकी 2 कैटेगरी है, एक 5061 है और एक 2 है। तो जहाँ पे 5061 हो या 506 सिंपल लगाओ तो वो अवेलेबल ऑफेंस बनता है, अगर उसके साथ 2 लगाओ तो फिर वो नॉन अवेलेबल होगा। बाकी बाकी आपके खौफ से वो घर से नहीं निकले ना, तो सर इतना बाहर क्या है, 25 साल बाहर रहता है तो नहीं पता लगता, वो डर गया होगा कि उसने तो नहीं देखी होगी उधर इतना फायरिंग और इतना असला। ये कौन से मुल्क से आए? इटली से। वो उधर इटली में तो असला होता ही नहीं है ना, जिन्होंने 25 साल बाद इधर आए तो पहली दफा देखा होगा असला, इतना डर गए होंगे। वो तो बेचारा खुद मजलूम आदमी है, वो क्या उसको कौन सा कानून तोड़ा है? एलिगेशन वो आपके खिलाफ बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि आपने जो है वो कब्जा भी किया है, लैंडमार्किया भी है, आपके पास असला भी है, तो असला का रिकवर पुलिस करेगी ना, आप गिरफ्तार होंगे तो दूसरा बेल किस तरह दे दिया? तो कोर्ट अगर खुद ऑब्जर्व करे कि जी ये कोई ऑफेंस जो है वो आयु साहब ने लगाया नहीं है और लगना चाहिए, इसमें 5062 लगना चाहिए, उन्होंने 1 लगाया हुआ, तो कोर्ट खुद ऑब्जर्वेशन दे दे इसमें। इतनी एफर्ट अगर हम लोग प्रोसिक्यूशन की साइड करें, ऐसे डिफेंडेंट जो है वो द फेवरेट चाइल्ड, तो लॉ हमारी साइड पे आई थिंक ज्यादा। यही बात है, जो एक्यूज है ना, डिफेंडेंट ही होता है, एक्यूज होता है। तो जब आप सिविल केस में हो रिस्पॉन्डेंट तो उसको डिफेंडेंट कहते हैं, रिस्पॉन्डेंट और डिफेंडेंट सिविल केस में, और प्लेंटिफ कहते हैं जो केस फाइल कर रहा हो। तो जब आप क्रिमिनल केस में है तो उसमें एक्यूज होता है और कंप्लेनेंट होता है, और जो आप कहते हैं कि आप योर फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, तो फिर आप चूंकि फेवरेट चाइल्ड है, यू आर इनकी फेवरेट चाइल्ड, तो फेवरेट चाइल्ड है तो इसलिए आपको ये दे देते हैं। बहुत अच्छा शुक्रिया।
वाजी साहब ने बाकी जो लोग हैं उन्होंने कोई तैयारी नहीं की हुई, आप आ जाए। आ जाए मैडम, आप ही आ जाए इधर, कंप्लेंट साइड पे आ जाए, आपकी कंप्लेंट आप बता दें, आप ही आप बताए क्यों बेल ना हो। सबसे पहले तो 18 दिन का जो डिले बताया जा रहा है उसमें हमने ये किया था कि हम एडीआर पे हो गए थे और एडीआर में सर, ताकि क्योंकि वो बाहर से आया था और वो चाह रहा था कि आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हम जो है ना कर ले, और उसके बाद जो है एडीआर की कौन सी प्रोविजन है, किस प्रोविजन के तहत एडीआर में गए थे आप, कोई कानून भी है जो वैसे ही जरिए में गए? नहीं, इसमें कानून दिया मैं आपको, ये इसके बाद आपको एडीआर बनाता हूँ आपकी और दूसरा सर ये इन्होंने सर फाइलिंग की जिसकी वजह से ये के मतलब हिरासत की है, और दूसरा ये कि जो कंप्लेनर ने सर लाइट पे उनको पहचान लिया है कि ये बंदे थे, तो इस बिना पे जो है ना अगर इनको बेल ग्रांट की गई तो ये मर्डर नुकसान होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन बेल ऑफ ऑफेंस में कौन किस तरह बेल करेगा? आपने किसी जगह अप्लाई इसका काम की है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, एसएसपी को, जिस तरह कोर्ट में गए कि ये ऑफेंस जो है वो गलत तरीके से ठीक करें? जी सर, एसएसपी साहब को हमने जो है एप्लीकेशन दी है वो पेंडिंग, तो लेकिन ये कि हम जिस कोर्ट में इंतजार करते हैं उस समय तक उनको बेल दे देते हैं, जब आपकी एप्लीकेशन में वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगाएंगे फिर बेल कैसे लगा देंगे? सर तब तक मुझे क्या प्रोटेक्शन, अदालत तो प्रोटेक्शन आपको नहीं दे सकती ना, अदालत को या इसको बेल देगी या नहीं देगी, आपकी प्रोटेक्शन का काम तो स्टेट का काम है, स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगी, और ऐसे भी कोई भी पाकिस्तानी है अदालत हमारा बड़ा सरमाया है आप, लेकिन इसमें हम कोर्ट का क्या था ये बताया था, कोई ग्राउंड बताए, कोई रीजन बताए, कॉल बताए कि इस तरीके से इनकी बेल खारिज की जाएगी? सर बेल सबसे पहले तो सर पहचान लिया है, नहीं वो तो हो गया है, ऑफेंस हो गया है, सारी बात एडमिट करते हैं कि हो गया, लेकिन बेल अवेल ऑफेंस में तो कोर्ट खुद बेल खारिज नहीं कर सकती, कोर्ट क्या करेगा? ये तो लेजिस्लेचर है, वो असेंबली ने लिख दिया है कि ये अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो हम तो बहुत है इसका इस बुक के, फिर हमारी तरफ से मान लेती समझी जा सकता है कि जो है वो प्रॉपर गैस बिल और मेरी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा, क्लेम लेकर आ रहे क्योंकि वो उनके साथ निकल रहा है, यही बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम है इसके ऊपर एक जजमेंट की है कि ये तो आपको जब तेईस तरह रिपोर्ट दे रही है, उसमें यह कहा कि कोर्ट खुद इसको ऑब्जर्व कर सकती है कि अगर ऑफेंस नॉन अवेलेबल है तो कोर्ट उसमें बेल डिसमिस भी कर सकती है, लेकिन चूंकि ये एक ही जजमेंट है और बहुत ज्यादा वो फिर इस तरह की चीजें फॉलो नहीं होती है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लगाया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो कोर्ट जो है वो जब ऑफेंसिस आर्बिट्रेशन चार्ज के टाइम के ऊपर जब चार्ज फ्रेम होता है तो उस वक्त कोर्ट फिर देख लेती है कि अगर कोई एविडेंस है ऐसी कि नॉन बेल कोई और ऑफेंस मेड आउट होता है तो फिर चार्ज में वो लग सकता है, लेकिन वो उसकी स्टेज थोड़ी सी लेटर स्टेज आती है वो आफ्टर 173 की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद। हाँ जी मैम आप बताएं। और इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ, इसको जो प्रीवियस एक्यूज है उनके प्रीवियस रिकॉर्ड भी इसमें अटैच किया जा सकते हैं कि उनके ऊपर प्रीवियस जो है वो कंप्लेन्स है और उन्होंने पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो आपकी प्रीवियस बेल खासतौर पर दी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि 300 बंदे को बेल दी जाती है ताकि वो पुलिस के ब्लैकमेलिंग में हरासमेंट में ना आए, तो अगर प्रीवियस आपका रिकॉर्ड इसी तरह का इसकी इस तरह की और FIR में तो ये जो ग्रांट है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लेटर से दिया है कि 3 FIR की उस बंदे के ऊपर बेल डिसमिस किया आफ्टर एफ बेल 489F की उसकी 3 years पनिशमेंट है, छोटा सा ऑफेंस है लेकिन उसमें उन्होंने बेल डिसमिस कर दी, तो ये भी ग्राउंड अच्छा ग्राउंड है कि प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो देखा जाएगा इस केस में। उसी दिन 155 कॉल की थी, 155 की पुलिस
जैसे नॉर्मली पत्नी है वो आए साथ वालों से और हमें समझाने फिर सर हमें दोबारा एफर्ट्स की वैसे चाय पानी वाला तो रिवाज है ना, जब कोई बंदा घर में जाता है उसको चाय पानी तो पूछते हैं ना, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। सर आप जब बॉन्ड लेते हो आप जो है पब्लिक सर्वेंट्स हो तो आप लोग चाय यस तो फिर जाहिर है एक पार्टी की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। सर फिर इस कंडीशन को देखते हुए हमें 23A की जो है वो एप्लीकेशन ठीक है और उसके बाद रुक डायरेक्शन ऑफ द सेशन कोर्ट हमारी एफ आई आर लॉन्च हुई है जो आज 18 डेज देने के बाद उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट में बाकी सेक्शन की तरफ नहीं आऊंगी मैं डायरेक्टली आऊंगी 5-11 जिसमें इनका हाई कोर्ट ऑफ फर्स्ट सिम यहाँ पे एक बेल क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन आई है नंबर 496 ऑफ 2020 जिसमें जस्टिस जफर अहमद राजपूत थे और उन्होंने कहा कि जब 5-11 वो और इसमें हमें पता है कि हाफ ऑफ द इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है इसमें ऐसे केसेस में अगर हैंड्स इन सच केसेस द अक्यूज कैन नॉट क्लेम अ मैटर ऑफ अ गाय इट मे बी ऑब्जर्व क्रिएटिंग अ स्केयर अमंग द पीपल बट एंड रूलिंग द सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो गेटिंग अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द पब्लिक एट लार्ज ये वाली इस पिटिशन को उन्होंने खारिज कर दिया था कहा था कि एज अ मैटर ऑफ राइट इसको ये क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी की बात है कौन में था मेरे पास लेकिन जब आप रेल के लिए काम के लिए कोर्ट में जाते हैं तो रेलिवेंट लॉ कोर्ट कर रहे हो तो उसकी बुक तो ये देखिए हमने आपकी बुक से क्लियर रखी है तो रेलिवेंट जो लाए जाएगी मैं जो जजमेंट लेके जाते हैं तो वो जरूरी नहीं होता कि कोर्ट के पास वो बुक हो सकता है टेलीफोन तो है टेलीफोन के ऊपर जजमेंट ही जो है वो कोर्ट पढ़ सकती इसलिए कि जजमेंट जो है वो हमें आप बुक देंगे तो हम पढ़ेंगे ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है कोर्ट में कहेंगे ये जी टेलीफोन ले लेंगे इस पर देख लें आप तो ये जो जजमेंट आप बता रही है अगर वाकई ऐसी जजमेंट है तो फिर तो बेल खारिज हो सकती है ये लेकिन 5-1 के साथ 5-1 क्या ऑफेंस क्या है 5-1 आप ये पढ़े तो सही है 5-1 तो ऑफेंस कुछ सेल्फ कोई ऑफेंस नहीं है इधर से ये मेजर एक्ट ले लेना ये सामने पड़ा ये ले लेना तो ये 5-1 इट सेल्फ ऑफेंस नहीं है ये अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट के साथ असल में वो आप जो कह रही है ना कि आप 5-1 की जो जजमेंट पढ़ रही है तो उसमें ये है कि उस पे जिस ऑफेंस की अटेम्प्ट है ना वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो इसको हाँ जी उसको अगर इसकी जो अटेम्प्ट है वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस की अटेम्प्ट है तो वो फिर ऑफेंस भी नॉन अवेलेबल होगा यहाँ पे जो अटेम्प्ट है या जो अकरेंस हुआ है वो सारा का सारा अवेलेबल ऑफेंस है और अटेम्प्ट भी अवेलेबल ऑफेंस की हुई है क्योंकि ये जो 5-1 लगा है 4-7 के साथ लगा है 4-7 क्योंकि इटसेल्फ जो है वो अवेलेबल ऑफेंस है तो उसके साथ अगर 5-1 लगा है तो फिर वो उसको नॉन अवेलेबल नहीं कर सकते ये बताएं नहीं तो आप सिक्योरिटी को हम कैसे भूल सकते हैं बेल की आप बेल की पिटीशन है इसकी आप इसको बेल देंगे या नहीं देंगे चले नहीं देते तो वो अवेलेबल ऑफेंस में हम किस तरह इसको बेल खारिज करें यहाँ पे देखे ना जिंदगी और बहुत ज्यादा इश्यू की है ना यहाँ पे तो इश्यू है कि ये सेक्शन जो लगे हुए हैं वो अवेलेबल है तो कोई ग्राउंड बताए कोई रीजन बताए कि हम इस वजह से इसकी बेल डिसमिस कर रहे हैं कल्चर या इस किस्म की जिसमें मुझे तो आइडिया इस तरह वैसे ही होता है ना मैं तो देखें ये जो मुझे जो
फाइल देख ली है, मैंने उस फाइल को देखना है, जब मेरे आईडी के जज ने या जिसने डिसीजन लेना है उसने अपना आइडिया तो नहीं बताना ना, उसने तो एविडेंस देखनी है। आपने जो आप प्रोसिक्यूशन है, आप कंप्लेंट है, आपने जो एविडेंस पेश किया उसी एविडेंस के मुताबिक की ऑफेंस लगा है। बहुत अच्छा जी आपने आर्ग्यू किया है, आपने शुक्रिया। आपने क्या कहते हैं सर, इसमें जो एफआईआर हमारे और भी बना कर देते बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन आप एस एस पी इन्वेस्टिगेशन को या जो वैसे पंजाब में पुलिस आर्डर के तहत एक बोर्ड होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसका बाहर में चूंकि पुलिस आर्डर उस तरह 100% फाइल नहीं होता, पुलिस रूल के तहत और सी आर पी के तहत वो का कोई भी जिसके सब एडमिनेट होती कराए जाती है उसको एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इन्वेस्टिगेशन तब्दील करें या इसको कोई और ऑफिसर जो है वो एस एस पी इन्वेस्टिगेशन जो है हर जिले का मौजूद होता है वो खुद इसको लुकाकर करें ये आप फाइल कर। लेकिन 18 दिन बाद तो आपने दरखास्त दी है, अगर 18 दिन बाद अगले देंगे तो उस वक्त 173 की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी, होगी ट्रायल शुरू हो जाएगी, तो इसलिए फिर वो रह जाएगा। एक छोटा सा सवाल है अगर सवाल की इजाजत नहीं है सर, अगर एफ आई आर में ऑफेंसेस सही नहीं लगे हुए और जज को लगता है कि ऑफेंसेस सही नहीं है तो उसको इंडिकेशन नहीं मिलती कि पुलिस किसी पार्टी के साथ मिलती है? जी बिल्कुल इंडिकेशन तो मिलती है, लेकिन देखे ना कि वो उसकी भी अपनी लिमिट है ना। आप जब आप समझते हैं कि आपके साथ ये दाती हुई है कि आपके केस में प्रॉपर सेक्शन नहीं लेवल की गई तो फिर आप उसको खुद भी तो एजुकेट करें ना, एप्लीकेशन में इन्वेस्टिगेशन में कहें 22A फाइल करें, रिट फाइल करें। आप जब खुद कुछ नहीं करते तो कोर्ट क्या करेगा? आपने भी खुद भी तो कुछ करना है ना। आप अगर किसी जगह अप्लाई करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। आप एस एस पी इन्वेस्टिगेशन को दरखास्त दें, जो भी हायर ऑफिसर है उसका इन्वेस्टिगेशन का उसको जागरूक करें कि हमारे साथ ये इन्वेस्टिगेशन में जिदाती हुई है और इसको इस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए और वो आपकी एप्लीकेशन के साथ अगर कोई सब्सटेंस होगा तो वो जरूर उसके ऊपर करेंगे। फिर 22A में भी प्रोविजन है कि अगर पुलिस एक्सेस है तो उसके ऊपर आप 22A में जा सकते हैं। हालांकि जजमेंट्स ये हैं कि इन्वेस्टिगेशन में 22A के तहत इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट मुदाखलत नहीं करते और रिट्स में भी ये जजमेंट ज्यादा यही है कि कोर्ट में वो इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन का एक अपना मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में जाके आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है। लेकिन फिर भी कोर्ट ये समझती है अगर यहाँ पे किसी के साथ ऐसा मामला हो गया कोर्ट पाने से सर ये बात की जैसे तैयार के अंदर जो कॉन्टेंट ऑफ एप्लीकेशन और जो है तैयार में चीजें लिखी गई है जैसे जान से मालिक सारी चीजें जो भी आए हुए अगर जनाब के कौन सी दफा करनी है या उंगली वगैरह होती है तो वही बात जो आप पहले कर रहे हैं उसमें फिर अमेंडमेंट जो है उसका फिर दफा जो है हमें उस पर ऑफ किया जाना चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन हो जो हमारी दफा बनती है वो नॉन अवेलेबल है जो सजा है उसके मुताबिक एप्लीकेशन होगा दोबारा से बिल्कुल आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फिर आप कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं 22A भी है और फिर भी है आप जा सकते हैं कि हमारे साथ ये वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने हमारे साथ की जाए। ये सर मंजूर साहब का बना क्या सर यार असल में मुझे खुद याद नहीं है क्योंकि मुझे याद है बिल्कुल क्या करेंगे अच्छा सर ये फ्रेम जब चार्ज फ्रेम होता है ट्रायल में ये उससे पहले हमने एप्लीकेशन देनी होगी बेल के टाइम तो नहीं ट्रायल शुरू देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक अपना मैकेनिज्म है। इन्वेस्टिगेशन में अगर तो पुलिस आर्डर अप्लाई करो तो कानून है, पुलिस आर्डर अगर अप्लाई होता है तो उसके फिर आपका एक बोर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली का, तो आप उस बोर्ड में अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन देते हैं वहां पे दो तीन जो है वो एसएसपी और डीआईजी रैंक के ऑफिसर होते हैं। उस बोर्ड की कंपोजिशन है अपनी, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बोर्ड होता है पंजाब में, बाकी पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद की हद तक क्योंकि अभी जजमेंट सिर्फ आई है पुलिस आर्डर के हवाले से कि इसको इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे वो फिलहाल बोर्ड नहीं बना, यहाँ पे भी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर आप जब भी कोई क्लाइंट आगे कहता है कि मेरे साथ ये इन्वेस्टिगेशन में सही नहीं हो रही तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न अथॉरिटी को कि ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही इसको इन्वेस्टिगेशन को तब्दील किया जाए या इसकी कोई और बंदा जो है वो यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे लेकिन इसकी सुपरविजन प्रॉपरली कोई डीएसपी या एसपी खुद करे तो वो हो सकता है कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें वो ऑर्डर कर सकते हैं कि ये तफ्तीश एक बंदे से लेके दूसरे को दे दें।
तो उसमें आपका शायद मसला एड्रेस हो जाए। वो तो कोर्ट में नहीं, पुलिस पास। वो तो वो इन्वेस्टिगेशन का अपना जो मैकेनिज्म है, तो कोर्ट में भी तो आप आ सकते हैं ना, आप रेट फाइल कर सकते हैं, आप 42A फाइल कर सकते हैं पुलिस एक्सेस के खिलाफ। सर वैसे ये अख्तियार जो आजकल इस्लामाबाद में डीआईजी ऑपरेशन के पास होता है वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अच्छी बात है, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि डीआईजी ऑपरेशन जो है वो ओवरऑल जो कि सारे ऑपरेशन का इंचार्ज है वो होता है, तो लेकिन वो भी पेटा होता है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सेपरेट उन्होंने रिंग बनाया हुआ इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई इशू होगा तो वो उसको भी भेज सकता है। लेकिन मैं बताया इस्लामाबाद में जो कि पुलिस आर्डर नहीं है, तो पुलिस रूल्स के मुताबिक वो जो भी डीएसपी को भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं, एसपी को भी दे सकते हैं, एसएसपी को भी दे सकते हैं, ये इनकी अपनी इंटरनल एसओपी है। किसी वक्त ये एसएसपी के पास इख्तियार होता है, किसी वक्त ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास होता है, और किसी वक्त ये डीएजी ऑपरेशन के पास, इवन आईजी खुद भी कर सकता है। तो ये सारा इसका नाम पहले पुलिस एक्यूज जो है वो आप बात नहीं समझिए, ऑफेंस को ऑफेंस होता है, दिन को करें या रात को करें, जिस तरह इस एफआईआर में था ना कि रात के टाइम जो है ना इसने एंट्री की थी और बाइक लाइट वगैरह इनको छोड़ दी, और फिर इसी एक्यूज ने जो है दिन के टाइम भी जो है ना आप बात करें ना कि वो दिन और रात के ऑफेंस में जो फर्क है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस ये है ना कि दिन के टाइम में अगर कोई ऑफेंस है तो उसमें आपकी ट्रायल में ना ये बेल स्टेज का इशू नहीं है, ट्रायल में वो उसके लिए उसको लाइट और इन चीजों का और उसकी आइडेंटिफिकेशन का इशू नहीं आएगा। जब अकरंस लाइट का है तो फिर आपको ये सारी बातें भी प्रूव करनी पड़ेगी ना कंप्लेंट को कि उधर लाइट थी, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था। अगर ये चीजें आप नहीं प्रूव करते तो फिर किसी बात के ऊपर इक्विटल हो जाएगी कि ये तो लाइट का अकरंस है, उसकी भी प्रॉपर्टी से नहीं है, आइडेंटिफिकेशन किस तरह हो सकती है इस लाइट के, जब लाइट ही नहीं है आपके, और बेसिकली जो साइट प्लान बनता है तो उसके ऊपर वो सारी चीजें होती हैं। अगर इधर का कोई अकरंस हो जाता है, जिस कमरे में कोई अकरंस होता है तार खाता, तो इस कमरे के अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी उसके साइट प्लान में आएंगी, यानी कि इधर डाइस लगा हुआ है, इधर ग्लास पड़े हुए हैं, इधर बुक्स पड़ी हुई है, माइक है, टिश्यू का डब्बा है, ये चीजें, क्योंकि जो साइट प्लान है तो उसमें लाइट्स हैं, फैंस हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके साइट प्लान में आएंगी और उधर से देखी जाएंगी। जब ट्रायल होगा तो वो डिफेंस वाले ये सवाल पूछेंगे यानी कि ये लाइट इससे कितने दूर थी, कौन सी लाइट थी, और टीम में हम तो इतना तक होता है कि जो सीजन होगा तो सीजन की अगर लोड शेडिंग का शेड्यूल होता है तो वो भी निकाल के तो पेज लोग कर देते हैं जी कि अगर प्लांट टाइम का ये अक्रंस है तो प्लांट टाइम इस सीजन में इस जिले में इस शहर में तो लोड शेडिंग थी, तो इसके साथ अगर लोड शेडिंग है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी लाइट के साथ साथ यूपीएस और जो जनरेटर और ये चीजें ये भी साथ साथ आपने डिमॉन्स्ट्रेट खुद करनी है कंप्लेनेंट में, प्रोसिक्यूशन में, कि अगर वो ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये बात प्रूव हो जाती है कि डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में शाम 7 बजे से 8 बजे तक लोड शेडिंग होगी, वो रिटर्न आर्डर मौजूद है या जो ऐसा मैस आता है वो वापदा वालफा वो मौजूद है कि आज 7 से 8 बजे तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर कोई अक्रंस हो जाता है तो आप रात का अक्रंस उसी दौरान होता है और आप फिर उधर क्लब आप शो करते हैं, लाइट शो करते हैं कि उस पर लाइट थी और इस लाइट की रोशनी में हमने इसको आइडेंटिफाई किया, तो फिर आप उसको उसकी लाइट के होने के साथ साथ आपने बताना ये दिया है कि वो लाइट थी कैसे, जब इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, वापदा क्लोज था, तो फिर आपके पास कौन सा सोर्स था, वो यूपीएस था और जनरेटर था, तो अगर वो आप इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाते और दूसरी तरफ से डिफेंस साइड आपको वो ला के पेश कर देती अपनी डिफेंस में जी कि वो तो उस वक्त तो लाइट थी आप, तो आपका तो सारा का सारा केस तो इसी बात के ऊपर ही खत्म हो गया कि जब उनके लाइट थी नहीं तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकती। लड़के कनेक्शन ये सर के सेम ऑफेंस दोबारा वो प्रॉपर्टी कल्याण पे आया है जी, लेकिन एफआईआर हुई है, लेकिन बात रिपीटेशन का और मामला है, जब आप रिपीट करते हैं तो जो पहला ऑफेंस है उसके बाद जब आप रिपीटेशन में जाते हैं तो पहले भी उन्होंने ये किया था कि बेस स्टेज के ऊपर आपकी रिपीटेशन या आपका जो कंटेक्ट है वो भी देखा जाता है, लेकिन आप फिर रिपीट करते हैं और फिर बेल वाला ऑफेंस बनाते हैं फिर आपकी बेल हो जाएगी क्योंकि बेल वाला ऑफेंस है, लेकिन इंसान बेल वाला ऑफेंस है। ट्रायल में सपोर्ट कर सकता है ट्रायल में तो फिर बहुत ज्यादा ये सपोर्ट होगी ना, रिपीटेशन के पहले अक्रंस है फिर सेकंड अक्रंस है तो ट्रायल में इनको सुधार होने का बहुत ज्यादा चांस होगा इस केस में।
कि जब आप कहते हैं कि वो पहले भी उसने वही अक्रंस किया थोड़े दिनों बाद, पांच दिन बाद, एक दिन बाद फिर रिपीट किया उसने, तो फिर वो एबिजुअल हो गया ना। अगर आप एविडेंस उसमें अच्छी करवा लेते हैं तो फिर उसके वो जो फर्स्ट ऑफेंडर वाला मामला वो खत्म हो जाए। यही तो अक्रंस का डिफरेंस है ना, कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप रात का अक्रंस होगा तो आप अगर आइडेंटिफिकेशन आप इस राह के तो देखिए जानने वाले बंदों को तो आप आइडेंटिफाई वैसे भी कर सकते हैं, अगर करीब वो आपके जानने वाला बंदा हो तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप देखे नहीं होते, पहली दफा देखते हैं, जिनकी शिनाख्त पीरियड में सब्सिक्वेंटली अरेस्ट के बाद आप शिनाख्त करते हैं, तो ऐसे बंदे के लिए तो लाइट का होना और लाइट का प्रॉपर होना बड़ा जरूरी है। और दिन और रात के अक्रंस में ये फर्क है कि रात का अगर अक्रंस है तो वो उसके लिए आपने ये चीजें एडिशनल है, आपने ये सारी प्रूव करनी है। और वो मैडम ने यही सवाल किया था तो ट्रायल में इसी बात के ऊपर बहुत सारे लोग एडमिट हो जाते हैं कि बाइक की रोशनी में हमने इसको शिनाख्त कर लिया, तो वो अक्रंस जो है वो आधा घंटा पहले से शुरू था। वो उठा के बता लेके कि मेरे अपने जो मैं आपको केस का बता रहा था कि वो बंदा उठाया एक जगह से दूसरी जगह पे लेके दरिया के किनारे और उसको उधर मारा पीटा है, तो फिर जब हम उधर उसके पीछे पहुंचे तो जब हमारी बाइक की जो लाइट है उनके ऊपर पहुंच पड़ी है तो हमने उनको शिनाख्त किया है, उसी वक्त उन्होंने उसको फायर मारा। तो फिर ये तो देखें स्टूडेंट माइंड जो है वो ये नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकता कि ये सारा कुछ इसी तरह प्लान हुआ है, और ये वो देखते रहे कि जब कोई वेटरस आए तो उसके सामने हम इसको गोली मारे, और वेटरस लाइट भी साथ लेके आए, बाइक उसके पास है तो बाइक की रोशनी है। सर जैसे ये फिलहाल अगर इसमें जितने भी दफा चावल की नहीं है सारी अवेलेबल है, अगर इनमें से कोई एक भी जैसे अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अगर एसपी साहब के पास है तो ये भी ऐसी दफा शामिल कर दिया जाता है जो नॉन अवेलेबल है, उसके बारे में आप कहेंगे, क्योंकि ये चार पांच ऐसी दफा है जो अवेलेबल है और एक दफा शामिल कर दी जो नॉन अवेलेबल है। तो देखिए अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस भी होगी और अपेरेंटली लगेगा कोर्ट को कि इसकी अरेस्ट जरूरी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर इन्वेस्टिगेशन इसकी अरेस्ट के लिए नहीं कि रिकवरी जहाँ पे होगी, अगर किसी का देखें एक रिकवरी होती है जहाँ पे किसी को कोई इंजरी ना काज हो, अगर किसी को कोई इंजरी काज हुई है और उसकी जो छुरी है या उसका वेपन ऑफ ऑफेंस है वो उसके पास है उसे रिकवर होना है, तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बंदा अरेस्ट हो। अवेलेबल ऑफेंस होता तो कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर अवेलेबल ऑफेंस अट्रैक्ट हो जाता है नॉन अवेलेबल तो फिर तो कोर्ट लाजमी उसकी बेल जो है अनलेस की कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो, अदरवाइज बेल उसकी लाजमी खारिज होगी ताकि वो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे, अगर उसे रिकवरी हो सकती है तो वो मैच करेगी रिकवरी आपके ब्लड के साथ मैच करेगी, या इवन वो खोल अगर उधर से बरामद हुआ है असला है जो आर्मलेस है तो उसका वो उधर मैच करेगा कि ये गोली जो है ये एम टी किसी से चलाई गई है या इसके अलावा है। सर अगर जैसे एक दो फायर है हवाई फायर का जिक्र करें, अगर एक दो फायर घर की गेट पे या ऊपर गिरे हो तो फिर नफात चेंज होगी या नहीं, तब भी हवाई फायर देखें अगर तो नॉन अवेलेबल पे कन्वर्ट हो जाएगा ही होता है ना, उसके बाहर के ऊपर लग जाएगा उसके साथ फाइव फिफ्टी लग जाएगा, फाइव फोर्टी लग जाएगा कोई तरह का लग जाएगा, जो 427 लगेगा मेरा, लेकिन वो उसका जो डैमेज है अवेलेबल फिर वो भी अवेलेबल नॉन अवेलेबल के लिए पुलिस ही नहीं मारती। लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल ऑफेंसेस पे बेल डिनाई हो सकती जी? सर लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल ऑफेंसेस पे अगर ऐसा अवेलेबल ऑफेंसेस आप 100 इसमें ऐड कर दें तो अवेलेबल ही रहेंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि 10 अवेलेबल नॉन अवेलेबल ऑफेंस मिल के थे नॉन अवेलेबल। तो डिपेंडिंग कर सकते हैं कॉन्टेक्चुअली कि अगर एक बंदा ठीक है ना और के पास की तो कैपेसिटी उतनी है ना कि वो जो लिखा हुआ है वो उसके तो बहुत ज्यादा बात कहते हैं बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी साथ लगे हो ना तो कोर्ट तो डेफिनेटली उसको अवेलेबल नॉन अवेलेबल के कॉन्टेक्स्ट नहीं देगी ना, अगर एक भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो उसके साथ कोई ऑफेंस ना लगा हो और कोर्ट ये कंसीडर करे कि इसमें एविडेंस मौजूद है तो उसकी बेल डिसमिस होगी बेशक सिंगल ऑफेंस, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 10 ऑफेंस है या सिंगल ऑफेंस, लेकिन सारे अगर अवेलेबल ऑफेंस है तो कोर्ट किस तरह बेल खारिज कर उसका वो जो ऑप्शन मैंने बताइए ना जजमेंट इस्लामाबाद है कोर्ट वाली उसके लिए फिर आपने डायरेक्ट किसी ने
ज्यादा चलाकी कर रहे हैं, कोशिश की वो ऊपर चला जाए, फिर उधर से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कोई ऑर्डर करवा ले, फिर वो नसीब है उसका अपना। सर अक्रम्स दो हुए हैं, दो जगह बेसिस ऑफ अक्रम्स दो हैं, FIR एक है, ये हो सकता है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, देखें एक FIR, एक अक्रम्स की एक FIR होगी। अब ये दो प्रपोजिशन है, ठीक है, एक प्रपोजिशन ये है कि ये छोटा अभी भी केस है, अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये कहा गया कि जो एक अक्रंस है उसकी सिर्फ एक FIR हो, बाकी जितने भी उसके रिपोर्ट करने वाले होंगे उनकी स्टेटमेंट होगी अगर सेक्शन 161 किया गया और उनको उसका वचन कहा जाएगा, वचन नंबर 1, 2, 3, 4। सुगरा बीबी केस से पहले एक अक्रंस की चार चार FIR भी हैं। आपको पता है कि कौन से अक्रंस की चार FIR होंगी, किसी को पता है? नहीं ग्राउंड बनाया और उसके ऊपर कुछ जजमेंट सेजमेंट आ गई। जो सुगरा बीबी केस था उसमें यह है कि एक अक्रंस के ऊपर एक FIR, यानी कि एक अक्रंस से मुराद यह है कि फर्ज किया मैं और इनके साथ, मेरी और इनके साथ आपस में लड़ाई हो जाती है, मैं इनको जख्मी करता हूँ, ये मुझे जख्मी करते हैं। अब मेरे जख्मी होने की FIR है वो लहदा होनी चाहिए और इनके जख्मी होने की FIR दायर है। मैं अपनी कंप्लेंट, मैंने तो नहीं बताना कि जब मैंने मारा तो ये भी साथ जख्मी हो गया, तो इन्होंने ये नहीं बताना कि मैंने उसको भी जख्मी किया है, इन्होंने तो कहना कि ये आया ना मुझे मार के चला गया, मैं ये यार ये जख्म मुझे हुआ है तो इसका सारा इंजरी होगी। तो इसके ऊपर सोरा बीबी केस आया था कि आपकी FIR जो भी पहले पहुंच जाएगा वो FIR करवा लेगा, मैं चला जाता हूँ मेरी FIR हो जाएगी इनके ऊपर, ये आएंगे तो इनका जो वर्जन होगा वो भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसको वर्जन कहेंगे, FIR पर एक है तो उसका वर्जन नंबर 1/1 हो जाएगा। इन्होंने कहा कि उसको वो भी उसको ट्रीट FIR ही किया जाएगा, लेकिन सेपरेट FIR नहीं होगी। उससे पहले क्या हो सकता, ये मीरपुर जिला भुट्टो केस है, जब उसकी असैसिनेशन हुई तो उसके ऊपर 4 FIR दर्ज हुई, घर वालों ने अलग FIR दर्ज की, पुलिस वालों ने अलग FIR की, उसकी बीवी ने अलग FIR दर्ज करवा दी, चौथी भी किसी की तरफ से। तो पहले जो है ये जो सुगरा बीबी केस है इसकी इस जजमेंट से पहले FIR जो है एक अक्रंस का, मतलब एक बंदा मरा है तो उसका एक लीगल हेयर आके तरबाज दे देता है कि फलाम बंदे के ऊपर FIR दे, दूसरा आगे कहता है नहीं मुझे वो नहीं कबूल, मेरा वजन लहद रिकॉर्ड करे, मैं कहता हूँ कि इसमें फलाम ना मिली, तो वो भी FIR हो जाती, वो भी हो जाती, तो इन्वेस्टिगेशन में फिर साबित होता था कौन सा ठीक है कौन सा गलत, लेकिन FIR तो हो सकती थी एक अक्रंस। अब जो है जो लेटेस्ट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद एक अक्रंस की एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती। अब आता हूं आपके सवाल की तरफ, आपने कहा कि दो अक्रंस में तो उनकी एक FIR हो सकती है, अगर एक अक्रंस कंटिन्यूस ऑफेंस है, अब ये पुलिस रूल का आपने बेसिकली सवाल पूछा है, तो चैप्टर 24 है ना पुलिस रूल का इन्वेस्टिगेशन का, तो ये बेसिकली वो चीज कवर करता है कि इन केस अगवा बंदा होता है जब G10 इस्लामाबाद से, वो जाके डेथ उसकी जाके होती है टेक्सला में, तो आपको पता है कि ये इस्लामाबाद और टेक्सला दो अलग अलग टेरिटरीज है, वो पंजाब में आता है, ये इस्लामाबाद एक अलग टेरिटरी, तो इसकी FIR किधर होनी चाहिए आपके साथ? अगवा G10 से हो रहा है, उसका मर्डर टेक्सले में होता है, दर्ज कर देते हैं तो जो अगवा होगा उसको किधर लेके जाएंगे, तो दो FIR होगी, तो दो FIR होगी, तो फर्ज किया ये प्रूव हो जाता है इस्लामाबाद की कोर्ट, आप देखें आप ना इसके पीछे एक लॉजिक है कि पुलिस रूल चैप्टर 24 में ना ये चीजें हैं कि अगर एक FIR एक अक्रंस के ऊपर दो FIR हो जाती हैं तो फिर उसका हल क्या करना है। फर्ज किया हमने इस्लामाबाद में FIR अगवा की करवा दी कि हमारा फलामाना जो अगवा हो गया थाना शालीमार में FIR हो गई, उधर डेड बॉडी मिलती है टैक्सले में, वो FIR दर्ज कर देते हैं जी कि नामालूम डेड बॉडी मिली है, 302 की FIR दे दी, नामालूम बंदे के खिलाफ नामालूम डेड बॉडी, सब्सिक्वेंटली जाहिर है वो जब इश्तिहार लगते हैं तो प्रेस हो जाता है कि ये वो ही बंदा है जो G10 से अगवा हुआ है, अब दो FIR होंगी, उन FIR का क्या करें,
क्या होगा जी, एक उधर 302 की एफ आई आर होगी, इधर होगी अगवा की एफ आई आर, आपके ख्याल में अगर क्या करना चाहिए, दोनों को अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या मर्ज हो जाए, दोनों इन्वेस्टिगेशन में दोनों मर्ज हो जाएगी, किस तरह को क्या क्या तरीके कार होगा मर्ज करने, जुरिस्डिक्शन भी अलग अलग है, वही ना जो वो आपकी हाईकोर्ट से अलग है, उस भी लाहौर हाईकोर्ट अप्लाई होती है, वो इधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, जुरिस्डिक्शन सूबे ही अलग है, तो भाई आपके देखे ना, अगर टैक्सले की एफ आई आर जाएगी तहसील टैक्सले की अदालत में तो चार्ज क्या आधा चार्ज इस्लामाबाद वाले लगाएंगे, फिर ये कागज उधर लेके जाएंगे आधा चार्ज, देखो ना कोई तरीका तो होगा ना, क्या हाल करेंगे इसका, ये हाल बताए, देखे रेजिडेंट का तो इशू नहीं है ना, ये अक्रंस का इशू, क्रिमिनल केस में रेजिडेंट तो बेशक कराची का हो, बना इधर अक्रंस होगा तो एफ आई आर ये चीजें, तो वो जो जुरिस्डिक्शन जो अक्रंस की होगी, कोई और कोई आइडिया कर दो, देखिए बात यह है कि इस प्रपोजिशन में होगा ये कि एक एफ आई आर उधर होगी 302 की के इतना मालूम डेड बॉडी के लिए, और इतना मालूम बंदे ने इसको गोली मार के कत्ल कर दिया, लीगल हेयर्स ने घर वालों ने G10 में एफ आई आर का एक बंदा, उसके बाद ट्रांसपायर हो जाता है कि ये वही बंदा था जो इधर से अगवा हुआ था उधर मर्डर हो गया, उसका तरीका कार ही होगा कि पुलिस रूल चैप्टर 24 है, मैं बस दो मिनट, तो पुलिस रूल उसमें ये कहता है कि अगर दो एफ आई आर हो जाती हैं एक ही ऑफेंस की, बेसिकली ये कंटिन्यू ऑफेंस है, क्योंकि उसका जो अबडक्शन है वो तो ये इस्लामाबाद से, तो ऑफेंस तो यहां से स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद जो उसके साथ जो को मामला हुआ है तो वो इसके साथ चैन में रहेगा, ये नहीं हो सकता कि हम उसको अलग कर दें, जिस तरह से इधर ने कहा था लायर ने कि उसका चार्ज एक ही फ्रेम होगा, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन चार्ज एक तब तो फ्रेम होगा ना जब वो एक दोनों एफ आई आर एक जुरिस्डिक्शन में गठी होगी, तो जुरिस्डिक्शन में गठी कैसे होगी कि वहां का जो एस टी पी होगा वो ये एफ आई आर उधर से खारिज करेगा, ट्रांसफर करेगा पुलिस रूल्स के तहत कि ये एफ आई आर जो है, और उधर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी होगी, डेड बॉडी रिकवर हुई है तो उसका वो नक्शा बना होगा कि फलां जगह से डेड बॉडी रिकवर हुई है, उसके फिर ये चीजें, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसके 10-20 पेजेस होंगे जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर, रिकवरीज और चीजें जो भी उसके कपड़े जो चीजें उससे बरामद हुई है, तो ये वहां की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, वहां की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर होगी अल्टीमेटली इधर G10 में जो थाना शालीमार है उसमें, और एस डी पी ओ जिमनी लिखेगा कि मैं चूंकि इसमें जो कंटिन्यू ऑफेंस है ये शुरू उधर से हुआ है, तो फिर ये एफ आई आर जो है ये मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसी में, तो वो जो एफ आई आर है वो एज इट इज पार्ट बन जाएगा, इस एफ आई आर का हिस्सा बन जाएगा, और जो इन्वेस्टिगेशन वो ऑलरेडी कर चुके हैं वो सारी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की जो फाइल है वो इस आईओ के हैंड ओवर कर दिए, एक ये तरीका है, ठीक है, दूसरा उसका ये तरीका है कि ये दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अकरन सादा उधर था तो इन्वेस्टिगेशन आदि उधर होगी, और उधर का जो लोकल तफ्तीशी अफसर है वो तफ्तीश साथ साथ इसके साथ चलाएगा, और वो भी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है एक ही बनेगी, क्योंकि वो इधर जाके थाने में बनेगी, वो भी इन्वेस्टिगेशन इसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले करेगा, दोनों ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट होगी वो थाना शालीमार की जुरिस्डिक्शन में होगी, क्योंकि ऑफेंस यहां से शुरू हुआ है खत्म हुआ हुआ है, तो फिर जब यहां पे आपकी रिपोर्ट 173 की यहां पे बनेगी तो जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो भी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन होगी, और इस तरह से उस सारे का सारा ऑफेंस एक फाइल में एक 173 की रिपोर्ट में इस्लामाबाद में आ जाएगा, और फिर इस्लामाबाद की जो कोर्ट है वो उसके ऊपर जो चार्ज फ्रेम करेगी वो यही चार्ज फ्रेम करेगी कि G10 से ये अबडक्ट हुआ है और इसका जो जो मर्डर हुआ है वो जाके तो टैक्सले में हुआ है और यही उसके ऊपर चार्ज है, तो टैक्सले के ऊपर चूंकि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि ये कंटिन्यू ऑफेंस है तो इसलिए उसकी इस्लामाबाद की जो कोर्ट है वो उसकी जुरिस्डिक्शन अज्यूम करेगी और अल्टीमेटली इसका ट्रायल इधर होगा, अल्टीमेटली जो भी एविडेंस होनी है, तो वो जो एफ आई आर के ट्रांसफर का प्रोसेस है वो चैप्टर 24 पुलिस रूल्स है उसमें वो सारा दिया गया है कि जहां पे दो एफ आई आर सेपरेट हो जाती हैं तो उनको इकट्ठा करने का जो तरीकेकार है वो ये।
तो अब हमारी सीनियर जो है मैडम जमीला जब पहुंच गई है, साबक जज भी है हाईकोर्ट की, हमारी सीनियर लॉयर है, तो आपको इन्होंने मेहरबानी की है कि टाइम निकाला है यहाँ पे आपके लेक्चर के लिए, तो इनका लेक्चर बड़ी खुशियों से सुने, तो कोई सवाल अगर रहता है तो मुझसे अलग पूछ लें, क्योंकि ये इधर बैठी हूँ तो मेरा इधर स्टेज के ऊपर बैठना और बाकी बातें करना अच्छा नहीं लगता। ये बेसिकली क्रॉस क्वेश्चन जो है तैयार है कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी कि मैंने इनको हर्ट किया, इन्हें मुझे हर्ट किया, तो दोनों